Rock, में। तो मैं पिछली बार देखा तब से बहुत कुछ हो चुका है It's not easy to do what you did. मेरा थोड़ा टूट गया जैसे कल की बात है जख्म भी ताजा है किया था कि हम वापस आएंगे आ, कितने दिनों बाद वो सब मेरे सामने शहीद हुए और तुम्हार में लड़े भी थे क्या मैं जीता नहीं मैं जीता आराम से यकीन नहीं आता पर सच इतना सब करने के बाद उन्हें साबित कर दिया दुनिया में वो एक ही छोना थोर केर के नहीं जल्दी बोला मैं एस खत्म और मेरी अक्स में होगा उसका पुनर्जन्म सोचा था यहाँ स्वागत होगा मेरा I have sacrificed much to achieve peace. I'm going to say, होगी एक टीम हम जैसे पहले किया करते थे हम अलग अलग दुनिया से उन्हें अलग रखने की जरूर कोई वजह नहीं होगी सरप्राइज मजा तो अब आने वाला है ये क्या इमोशनल हो गए Backwards. Hello. Hi. For. Oh. Through your arrogance and stupidity, you have opened these peaceful realms and innocent lives to the horror. God damn it, बात कर रही है ना तो मैं कोई रानी हूं और ना ही मैं कोई राक्षसी मैं हूं मौत की देवी और तुम काहे के देवता हो देवताओं को अपने सिवा किसी की नहीं पड़ी हम एक ही जैसे हैं तुमर मैं दोनों के का शॉर्ट फ्यूज। सेम टू सेम पानी जैसा नहीं हम दोनों आग जैसे हैं अपने आदर्शों के लिए तुम क्या कुर्बानी दोगे मार्बल सीरीज की मोस्ट अवंटेड फिल्म थार रेगना रॉक रिलीज हो गई थी ताइका वेटिश द्वारा निर्देशित फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज की नई एंट्री हुई है कहानी फिल्म की कहानी की शुरुआत ओडिन के बेटे थॉर यानी क्रिस हेमर्स से होती है जो अपने पुराने दुश्मन शरतुर को ख़त्म करके अपने घर लौटता है लेकिन वह उसके पिता ओडिन नहीं होते हैं लोकी अपने पिता का रूप धारण करके अक्षाड़ पर शासन कर रहा है और अपने पिता ओडिन को धरती पर छोड़ दिया गया है लोगों के सामने लोकी का राज खोलने के बाद थार लोकी के साथ पिला पिता की तलाश में निकलता है पिता को ढूंढने में थार की मदद डॉक्टर स्ट्रेंज करते हैं जो जानता है कि ओडिन कहाँ है अपने अंतिम पलों में दोनों बेटों को देखकर ओडिन अपने जीवन के एक बड़े राज से पर्दा उठाते हैं यह बताते हैं कि उनकी पहली संतान गार्ड अपडेट हेला है जो बेहद क्रूर व ताक़तवर है और जिसे उन्होंने बरसों पहले बंधक बनाकर जेल में रखा है लेकिन अब वह आज़ाद हो गई है हेला रगना रोग को हासिल करना चाहती है ताकि वह पूरी दुनिया और अक्साड़ को ख़त्म कर सके हेला के सामने थार काफ़ी कमजोर है हेला की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस पर थार का ताकतवर हथौड़ा भी काम नहीं करता हेला उसे किसी बच्चे के खिलौने की तरह चूर चूर कर देती है लेकिन क्या थार हेला से अक्साट को बचा पाएगा और क्या ताकतवर हल्क इस लड़ाई में थार का साथ देगा क्या बिना हथौड़े के थार शक्तिशाली हेला से जीत पाएगा इन सब सवालों के जवाब आपको इसी फिल्म में आगे मिल हैं। इसमें कोई नहीं है कि मार्बल सीरीज की फिल्मों की की फिल्मों तरह इस फिल्म की कहानी भी बे बेहद रोचक और मजेदार है ताइका वैटिटी द्वारा निर्देशित फिल्म की सिनेमाटोग्राफी जबरदस्त है लेकिन फिल्म में अपने पिछली फिल्मों की तुलना में एक्शन सीन की कमी नजर आई जो इससे थोड़ी कमजोर बनाती है क्रिस हेम्सूअर्थ थार और मार्क रफेलो यानी कि हल्क थार के तीसरे भाग में जबरदस्त एक, एक्टिंग की है बीच बीच में दोनों के बीच नोकझोंक लोगों को रोमांचित करने के साथ साथ हंसाती भी है वही फिल्म में गार्डसन ऑफ डेडकेटकेट ब्लैंकेट यानी हेला ने थार को अपनी दमदार एक्टिंग से कड़ी टक्कर दी है इस फिल्म को आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं दमदार एक्शन से भरपूर इस फिल्म के कुछ डायलॉग्स को ठहाके लगाने पर मजबूर कर देंगे फिल्म का थ्री इफेक्ट और इस इसे और भी बेहतरीन बनाता है आइए जानते हैं इससे पहले मॉर्बल की मूवीज के बारे में थार जो कि दो में आई थी थार एमसी में चौथी फिल्म है और इसमें क्रिस हेमर्थ को लीड रोल में नताली पोर्टमैन ने जॉन फोस्टर और टॉम हिडल को लोकी के रूम में दिखाया गया है यह एम के पार्ट वन का हिस्सा है और न केवल थार बल्कि दूसरी मार्बल फिल्मों की कहानी को भी सेट करता है फिल्म में थार को अक्सार्ड से पृथ्वी पर भेज दिया गया है उसकी शक्तियों और उसके हथौड़ा हाँ मजोलनर को छीन लिया जाता है पृथ्वी पर वह जेन फोस्टर से मिलता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है इस बीच उसके भाई लोकी ने अक, अक्सार्डियन सिंहासन लेने की साजिश रची थार एंड थंडर देखने का प्लान बना रहे लोगों को यह पहली थार फिल्म जरूर देखनी चाहिए आप डिजनी प्लस हाट स्टार पर फिल्म को देख सकते हैं थार द डार्क वर्ल्ड दो में रिलीज हुई सीरीज का अगला पार्ट है और एम में आठवीं फिल्म है क्रिस हेमोर्थ नताली पोर्टमैन और टॉम एडलसन ने पिछली फिल्म में अपने रोल को दोहराया था यह एम के फेज टू का हिस्सा है और द एवेंजर्स के बाद रिलीज हुई थी इस फिल्म में जेन की एम में अंतिम प्रोसेस है अब तो अब वह थार लव एंड थंडर में नजर आई थी अब डिजनी प्लस हॉट स्टार पर फिल्म को स्ट्रीम कर सकते हैं गॉडियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 हज़ार चौदह भले ही थार गॉडियंस ऑफ द गैलेक्सी फिल्म में नहीं है लेकिन इस फिल्म के कई कैरेक्टर थार लव एंड थेंडर में अभिनय करेंगे फिल्म में क्रिस प्रैंड सल्डाना डेव बस्तिता बिन डीजल और ब्रेडली कपूर ने अभिनय किया है यह फिल्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर उपलब्ध है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम टू दो हजार सत्रह पॉम क्लेविटम की निभाई गई मंटिस इस फिल्म में पेरेंट्स के साथ जुड़ती है वह थार लव एंड थंडर में भी नज़र आएंगी इस फिल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप देख सकते हैं थार रगना रोक दो थार रगना रोक का निर्देशन ताइका वेट्टी ने किया है जो थार लव एंड थंडर के निर्देशक भी हैं फिल्म ने वल्किरी टेसा थाम्सन कार्क वेटिटी और ग्रैंड मास्टर जेफ गोल्डब्लम को दिखाया गया है और ये कैरेक्टर थार की नई फिल्म में भी दिखाई देंगे एवेंजर्स इन्फिनिटी वार 2018 एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में थार ने पहली बार पेरेंट्स के साथ टीम बनाई फिल्म में एवेंजर्स एंड द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने थेनेस को दिखाया गया थेनेस ने ब्रह्मांड में सभी के जीवन के

थार राग तीन नवंबर को बड़ी स्क्रीन पर दस्तक दी थी हल्क की एक बार फिर से वापसी हो चुकी है थार सीरीज सी की यह फिल्म कई मायनों में खास है इस बार आपको थार की बहन भी देखने को मिलेगी थार की बहन हेला इस फिल्म में गार्डेस ऑफ दिट के किरदार में है इसी के खिलाफ थार और लेकी साथ दिखाई देंगे फिल्म की कहानी शुरू होती है शटर पर बेड़ियों में जकड़े थार से शटर यूनिवर्स का दूसरा हिस्सा है जहां से थार शटर का मुकुट ले आता है जिसका असली इस्तेमाल फिल्म के आखिर में पता चलता है फिल्म की पूरी कहानी हेला को हरा कर शांति कायम करने के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म में थार का एकमात्र मकसद एच गार्ड को रेगना रॉक से बचाना है इस बार मार्बल ने थार के भाई की बजाय उनसे लड़ने के लिए उसकी बहन को चुना है लोकी थार के साथ ही लड़ते नजर आते हैं जैसा कि बताया गया है थार के साथ ही यूनिवर्स के इस हिस्से में कई लोग कैद हैं और इन कैदियों का एक भीषण युद्ध करवाना करवाया जाना है इस तरह से मार्बल अपने एक लोकप्रिय किरदार हल्क को थार से इस भीषण लड़ाई में डालकर फिल्म का लुप्त बढ़ा देता है ये फाइटिंग पैसा वसूल है हल्क पहले भी थार के साथ दिख चुके हैं और उनके साथ ही अवेंजर भी थार की यह लड़ाई उन्हें वक्त के साथ लड़ने पर मजबूर करती है क्योंकि थार को अपनी शक्तिशाली बहन हेला से अपनी दुनिया को भी बचाना है हेला फिल्म में गॉडेस ऑफ देट के किरदार में है ऐसे में थार की दुनिया यानी अक्सार्डियन सिविलाइजेशन में उनका आतंक छाया हुआ है वो हर चीज़ तबाह करने वाली तुली हुई हैं। ऐसे में थार उनसे लड़ने तो आते हैं पर जरा ध्यान दें कि महाबली थार कहाँ थोड़ा आपको फिल्म में नहीं दिखेगा ऐसे में थार के फैन थोड़ा निराश हो सकते हैं पर फिर भी उसकी भरपाई करने को आपको हल्क के साथ के धांसू सीन भी दिखेंगे रेगना रॉक नार्स नाम की माइथोलॉजी एक टर्म है जो हिंदू धर्म के प्रलय और मुस्लिमों के क्यामत के दिन और ईसाइयों के डे की तरह ही हैं पर इसमें खास ये है कि इसमें बस इंसानों का खात्मा नहीं होता देवताओं का भी खात्मा होता है बल्कि कहे तो देवताओं का ही खात्मा होता है जिसमें इंसानों का खुद ब खुद ख़ात्मा हो जाता है इस माइथोलॉजी के किस्से यूरोप के उत्तरी जर्मनी से लेकर सारे नार्वे के तमाम भागों में प्रचलित हैं इस अवधारणा को ही फिल्म का आधार बनाया गया है फिल्म में थार गॉडेस ऑफ देठ से भले ही ब्रह्मांड को छुटकारा दिला पाने में सफल हो जाता है हो पर अपनी बहन हेला के प्रकोप से अपनी दुनिया अक्सार्डियन सिविलाइजेशन को नहीं बचा पाता है और उसकी अपनी दुनिया का अंत हो जाता है पर खुशी की बात यह है कि ये अंत हमेशा के लिए नहीं होता कई बार कुछ ही समय के लिए होता है दरअसल इसे नई शुरुआत का सूत्रपात मान सकते हैं तो आगे की फिल्मों में आपको प्लेनेट वैसा ही फिर से बसा दिख सकता है मार्बल की फिल्मों में ग्राफिक्स और बीफेक्स वगैरह जमकर यूज किया गया है इस मामले में आपको इस फिल्म में भी निराशा हाथ नहीं लगेगी आप इंजॉय करने के लिए फिल्म देखना चाहें तो थ्री में भी यह फिल्म देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता है फिल्म थार के नए दर्शकों के लिए थोड़ी सी उलझी हो सकती है कहा जा रहा था कि डायरेक्टर ताइका वेडिटी ने इसमें ह्यूमर डालने की पूरी कोशिश की है जो कहीं कहीं सफल भी दिखती है पर ऐसा नहीं कि फिल्म आपको हंसाती ही रहे राइटिंग के 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 लिए लिए फिल्म में में उनका नाम नहीं है। है। एक्शन और थिलर फिल्मों की के के फिल्में देखना हमेशा एक ट्रीट जैसा रहा इसी क्रम आपको दांतों तले उंगलियां दबा लेने वाला एक्टर क्रिस् मार्क राफेलो टैम हिंडल केट ब्ले, ब्लेंड टीसा थम्पसन जैफ गोल्डब्लम ब्लम कार्ल आर्बन और एंथनी हॉपसन जैसे बॉलीवुड सितारों से सजी या हॉलीवुड सितारों से सज्जिया फिल्म यूथ तो थॉर के बारे में है लेकिन सुपर हीरो हल के फैंस को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रेलर से लेकर पोस्टर और फिल्म की लीड लाइन तक हल्क का हल्क तक तकरीबन तक तक हर जगह दिखाने की कोशिश की गई है एडवेंचर से भरपूर यह मार्बल मूवी आपको अब तक रिलीज हुई सभी मार्बल मूवीज से थोड़ा बेहतर लगेगी ऐसा लगता है कि हर मार्बल मूवी में निर्देशक पिछली रिलीज हुई फिल्मों से सीखते जा रहे हैं कहानी की बात करें तो ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर थार खुद को एक जानलेवा हालत में पाता है और यह चीज़ें उसे हल्क से मिलवा देती हैं एवेंजर्स में थार के साथ मिलकर जंग जीत चुका हल्क भी थार के मिशन में उसके साथ हो लेता है और फिर दोनों निकल पड़ते हैं एक ऐसी खोज पर जिसमें वह वक्त का सफर तय करके हेला द्वारा थार के घर को नष्ट कर देने से रोकना चाहते हैं फिल्म की कहानी और एक्शन आपको कहीं भी बोर नहीं होने देगा और दो घंटे दस मिनट की फिल्म आपको फुल एंटरटेनमेंट का पैकेज देगी फिल्म को मिला अब तक ऑडियंस रिव्यू और क्रिकेट रिव्यू पॉजिटिव है गूगल पर चौरानवे परसेंट लोगों ने फिल्म को पसंद किया और इसे थार की अब तक की सभी फिल्मों से ज्यादा बेहतर बताया है एम यानी मार्बल सिनेमेटिक यूनिवर्स के अंतर्गत आने वाली सुपर हीरोज़ की फिल्म सीरीज दुनिया की सबसे सफलतम फिल्म सीरीज़ है जिसकी हर फिल्म में शामिल सुपर हीरोज़ मेल हो या फीमेल सभी का कैरेक्टर एक से बढ़कर एक है इसकी शुरुआत हुई थी साल 2008 में आई फिल्म आयरन मैन से निर्माताओं ने इस सीरीज़ के तेईस फिल्मों से में सभी सुपर हीरोज को एक बेहतरीन कहानी देकर एक कड़ी में जोड़ा है इस सीरीज की हर एक फिल्म में कुछ रोचक बातें हैं और हम इस आज की वीडियो में इससे जुड़े कुछ अनजाने तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे अगर आप मार्बल के प्रशंसक हैं तो आपको पता होगा कि इसके फिल्मों की श्रृंखला कितनी अद्भुत है इसके हर फिल्म में हर एक सुपर हीरो की अपनी कहानी है जिन्हें तेरह वर्षों में बनाया गया है और एक एक कर दर्शकों के बीच लाया गया है अंत में सभी फिल्मों को एक कड़ी में जोड़ कर कर एक फिल्म एवेंजर्स एंडगेम से निष्कर्ष निकाला गया है फिल्मों की इस श्रृंखला में जितने भी सुपरहीरो शामिल हैं उन्हें ही एवेंजर्स नाम दिया गया है उन्हीं एवेंजर्स से जुड़ी फिल्म के दृश्यों या रिलीजिंग या शूटिंग के दौरान कुछ रोचक और अजनबी बातें हैं जिन्हें हम आज आपके साथ साझा करेंगे मार्बल कॉमिक के महान लेखक स्टैनली ने भूतकाल में अपने कई संघर्षों के बाद आयरन मैन को लॉन्च करने में सफलता पाई थी आयरन मैन जो की बाद में इस फिल्म रिलीज का सबसे स्मार्ट और दर्शकों का सबसे चहता सुपर हीरो बनकर उभरा इससे पहले पिछले कई दशकों में आयरन मैन और अन्य सुपर हीरोज़ पर कई फिल्में व सीरीज बन चुकी थी लेकिन इस डरमैन की फिल्म सीरीज के अलावा सभी फिल्मों को दर्शकों द्वारा नकारा जा चुका था पहली सफलतम फिल्म जिसने बिलियन में कदम रखा द एवेंजर्स मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म थी जिसने दुनिया भर के सिनेमाघरों में एक बिलियन डॉलर से भी अधिक कमाई की थी यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने सुपर हीरो फिल्मों को एक नया आयाम दिया था फिल्म की कहानी एक्शन सीन बी एफ और कई सुपर हीरोज़ को एक साथ जुड़ना दर्शकों के लिए काफ़ी नया और रोमांचकारी साबित हुआ और इसे खूब पसंद किया गया था मार्बल ने द एवेंजर्स में किया था रियल सुपर हीरो का उपयोग जी हाँ द एवेंजर्स फिल्म में असली सुपर हीरो का इस्तेमाल किया गया था लेकिन वे कोई बिजली आग या काल्पनिक शक्ति पैदा करने वाले नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया के बहादुर पुलिसकर्मी थे फिल्म के एक दृश्य में जब न्यूयॉर्क शहर में एवेंजर्स का सामना उनके दुश्मनों से होता है तब निर्देशकों ने उनकी मदद करने के लिए ओहियो राज्य से तीन सौ इक्यानबे सैन्य पुलिस वर्ल्ड बटालियन के वास्तविक सदस्यों को शामिल किया था हा कैरेक्टर की गंभीरता मार्बल के अंतर्गत हाकाई एजेंट क्लिंट वार्टन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता जेरेमी रेनर ने इस कैरेक्टर को बहुत गंभीरता से लिया उन्होंने स्पष्ट रूप से तीरंदाजी सीखी थी इसलिए उनके अभिनय में खलनायकों पर चलने वाला तीर किसी पेशेवर से कम नहीं लगा हल्क के चरित्र के लिए पहली पसंद था कोई और वो चित्र दो हज़ार में आई फिल्म द इनक्रेडिबल हल्क में ब्रूस बैनर द हल्क की भूमिका एडवर्ड नाटन ने निभाई थी जिन उनकी इसी प्रसिद्धि के कारण वह मार्बल के पहली पसंद थे वही बात करें द इनक्रेडिबल हल्क के निर्देशक लुई लेट्रियल के अनुसार तो हल्क के किरदार में अभिनेता मार्क रफेलो ही बहुत पहले से फिट आते थे और बाद में चलकर ऐसा ही हुआ ब्रूस बैनर हल्क की भूमिका में द एवेंजर्स और आगे की फिल्म के लिए मार्क ने नार्टन को रिप्लेस किया देखा जाए तो हल्क की भूमिका में मार्क ने एक अलग ही छाप छोड़ी है हल्क की भूमिका के लिए मार्क को मिली हॉलीवुड के सुपरस्टार आर डी जे से प्रोत्साहना साल 2012 में जब द एवेंजर्स में ब्रूस बैनर द हल्क की भूमिका निभाने के लिए मार्क रफेलो को चुना गया तब वह एक सुपर हीरो के रूप में किसी बड़ी बजट की फिल्म में अभिनय करने के लिए असहज महसूस कर रहे थे उस समय हॉलीवुड के सुपरस्टार आर डी जे यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने उन्हें अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित किया चूंकि वह मार्क के सबसे अच्छे दोस्त थे और खुद ही सुपर हीरो आयरन मैन की भूमिका निभा रहे थे आयरन ने अपने दोस्त के लिए लिखा था कि रोफेलो लेट्स गो स्पाइडरमैन के नाम में हाइफन का उपयोग राइटर स्टैनली ने स्पाइडर मैन के नाम में हाइफोन लगाया ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि और क्योंकि सुपरमैन और स्पाइडरमैन दोनों ही एक जैसे नाम बन जाते हैं जो पहली बार तेज नज़र में पढ़ने पर दर्शकों के लिए संशय पैदा कर सकते हैं जर्मनी के कुछ छोटे थिएटर्स में हुआ था एवंजर्स राज आप और का विरोध साल 2014 में जब फिल्म एवंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन दुनिया भर में रिलीज हुई तब जर्मनी के कुछ शहरों में थिएटर्स में इसका विरोध हुआ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि डिजनी बॉक्स ऑफिस पर टिकटों की बिक्री का तिरपन प्रतिशत मुनाफा चाहता था जो कि पारंपरिक और फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन प्रतिशत की तुलना में अधिक था हालांकि यह संख्या में बहुत बड़ा अंतर नहीं लग स लग सकता लेकिन जर्मनी के कुछ छोटे थिएटर्स के लिए कमाई में एक बड़ा अंतर जरूर था इसलिए उस समय उन्होंने इस फिल्म को स्क्रीन नहीं दिया बोर होने से बचने के लिए सितारों ने खेला बोगल फिल्म की शूटिंग के समय लगता है जैसे कि किसी दृश्य को दिखाने के लिए सेट व लाइटिंग में समय आयोजन करना और उसके बाद दूसरे दृश्य के लिए दूसरा सेट व लाइटिंग ऐसे में एवेंजर्स के सितारों को देर तक नए शॉट के लिए इंतजार करना पड़ता था इस दौरान कैप्टन का, का, अमेरिका स्टीव राज की भूमिका निभाने वाले अभिनेता क्रिस इवांस ने बताया कि उन्होंने खुद को उबने से रोकने के लिए और भी अन्य कलाकारों जो कि उनके दोस्त भी थे के साथ बोगल गेम खूब खेला है द एवेंजर्स फिल्म को अंतरिक्ष में दिखाया गया अंतरिक्ष जहां कई सितारे चमकते हैं वही कुछ चुनिंदा दर्शकों ने द एवेंजर्स की स्क्रीनिंग के दौरान धरती के सितारों को देखा और वे दर्शक थे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ह्यूस्टन में नासा के मिशन कंट्रोल में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को द एवेंजर्स फिल्म की एक डिजिटल प्रति भेजी उस समय आई एस में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को इस फिल्म को देखने का दुर्लभ अवसर मिला था बताते चले कि द एवेंजर्स फिल्म के कुछ हिस्सों को नासा में भी फिल्माया गया था और शायद यही कारण था कि इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भी दिखाया गया है स्कॉटलेस बिज और क्विक सिल्वर की उत्पत्ति को बदला गया था कॉमिक किताबों में चा और क्लिक सिल्वर ने एक्समैन के कैरेक्टर मैग्नो को उनकी खलनायकी में सहायता की थी लेकिन फिल्म स्टूडियो के कुछ अधिकारों के कारण एक्समैन अन्य मार्बल संस्थाओं से अलग हो गए इस कारण से एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के निर्माता टीम ने वाडा मैक्सिमम, वाडला मैक्सिमम और स्कॉटलेस और पियथ्रो मैक्समॉफ क्विक सिल्वर को एक अलग मूल कहानी दी थी इस फिल्म इस में वाडा स्काटल एस की भूमिका में एलिजाबेथ ओलिसन और पियथ्रो क्विक सिल्वर की भूमिका में आरोन टेलर जॉनसन नजर आए हैं कैप्टन अमेरिका सिविल वार के दौरान क्रिस हुए थे चोटिल फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वार के सह निर्देशक जो रूसो ने बताया था कि फिल्म का सबसे शक्तिशाली शॉट था स्टीव राजर्स का अपने हाथों से एक हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से रोकना इस शॉट को फिल्म के पहले टीजर ट्रेलर में भी दिखाया गया था इस सीन को शूट करने से पहले क्रिस वांस ने शारीरिक शारीरिक रूप से चरित्र को वास्तविक रूप देने के लिए जिम में बहुत मेहनत की थी बाद में फिल्म का यह दृश्य काफ़ी शानदार साबित हुआ था लेकिन क्रिस ने शूटिंग के समय इसे फिल्माते हुए अपनी बाँह में मांसपेशियों को घायल कर लिया था ब्लैक पेंथर का नाम बाद में चुना गया मार्बल ने ब्लैक पेंथर का नाम सबसे पहले ब्लैक Black... लेफट रखना चाहता था लेकिन इसका संदर्भ एक राजनीतिक पार्टी से होने के कारण यह नाम बदल दिया गया एमसीयू के अंतर्गत ब्लैक पंथर की भूमिका निभाने वाले अभिनेता बोजमैन की साल दो में कैंसर के कारण मृत्यु हो चुकी है इसलिए निर्माताओं ने ब्लैक पंथर को एक नया रूप दिया जिसे फिल्म ब्लैक पेंथर के सुकल ब्लैक पेंथर वकंडा फॉरवर में देखा जा सकेगा जो कि 11 नवंबर दो को रिलीज हो रही है एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में एक पुराने बिलन की वापसी कैप्टन अमेरिका द फास्टर एवेंजर्स में मुख्य बिलन रेड स्कॉल को आखिरी बार इसी फिल्म में देखा गया था और इसकी उपस्थिति तब तक एक रहस्य बन बनी रही जब तक कि इसे सिनेमाघरों में फिल्म एवेंजर्स इन्फेंटिवार में नहीं दिखाया गया था एवेंजर्स इन्फेंटिवार यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हॉलीवुड मूवी ट्रेलर यूट्यूब पर लॉन्च होने वाली फिल्म के ट्रेलर में एवेंजर्स इन्फेंटिवार का ट्रेलर सबसे लोकप्रिय ट्रेलर बना हुआ है यूट्यूब पर अब तक इससे दो मिलियन से भी अधिक देखा जा चुका है स्क्रिप्ट में ना होते हुए भी स्क्रिप्ट में ना होते हुए भी एक डायलॉग बन गया मजाक किया फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में एक दृश्य के दौरान टाइटन ग्रह पर कुछ सुपर हीरोज आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं जिसमें आयरन मैन स्टार लॉर्ड और ड्रैक्स भी शामिल हैं उसी दौरान तीनों में एक संवाद होता है जिसमें स्टार लॉर्ड पूछता है कि गमोरा कहाँ है इस पर आयरन मैन कहता है कौन है गमोरा मजे की बात तब होती है जब ड्रैक्स कहता है कि क्यों है गमोरा एक खुलासे में पता चलता है कि ड्रैक्स का डायलॉग तो फिल्म के स्क्रिप्ट में था ही नहीं लेकिन ड्रैक्स ने इस अंदाज ने दृश्यों को और भी मजाकिया बना दिया जिस कारण निर्माताओं ने इसे फिल्म में शामिल कर लिया था एवेंजर्स एंडगेम बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड में एक अरब डॉलर की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी दुनिया भर में एवेंजर्स के प्रशंसकों की भारी संख्या के चलते एवेंजर्स फ्रेंचाइजी के अंतर्गत तीन फिल्मों ने अलग अलग एक अरब डॉलर से भी अधिक कमाई की थी जो कि किसी मील के पत्थर से कम नहीं थी लेकिन जब फिल्म के चौथे सुकल एवेंजर्स एंडगेम को लॉन्च किया गया तब इस फिल्म ने महज पाँच दिनों के भीतर एंडगेम ने वन अरब डॉलर की कमाई कर ली थी आज एंडगेम दुनिया भर की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है जो कि जेम्स कैमरन के अवतार फिल्म के बाद आती है इसके साथ ही एंड गेम मार्बल की सबसे लंबी फिल्म है जिसकी रनिंग टाइम एक मिनट है एवांजलिन लिली और पाल रड ने एक साथ की मार्बल के दो फिल्मों की शूटिंग मार्बल का रिलीज शेड्यूल विस्तृत है जिसमें कई बार एक ही समय के कई प्रोजेक्ट्स को फिल्माना पड़ता है इसलिए कई मुख्य पात्रों को स्टोरी लाइन जोड़ते हुए सभी फिल्मों के बीच निरंतरता बनाए रखना पड़ता है चूंकि फिल्म एंट मैन एंड द वास्प और एवेंजर्स इंड गेम रिलीज होने के लिए एक ही लाइन अप में थे इसलिए दोनों फिल्मों की शूटिंग एक ही समय में होना स्वाभाविक था इस बीच फिल्म के दो सुपर हीरो कैरेक्टर एंटमैन और द वास्ट की भूमिका निभाने वाले कलाकारों एवांजलिन लिली और पालरट को अक्सर दोनों फिल्मों की शूटिंग के लिए उपस्थित रहना पड़ता था जो कि उनके लिए वाकई में सबसे बेस्ट दौर था मार्बल सीरीज की मोस्ट अवॉन्टेड फिल्म थार रैगना रॉक रिलीज हो गई थी ताइका वेटिस द्वारा निर्देशित फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज की नई एंट्री हुई है कहानी फिल्म की कहानी की शुरुआत ओडिन के बेटे थॉर यानी क्रिस हेमॉर्स से होती है जो अपने पुराने दुश्मन सर्तुर को ख़त्म करके अपने घर लौटता है लेकिन वह उसके पिता ओडिन नहीं होते हैं लोकी अपने पिता का रूप धारण करके अक्षाड़ पर शासन कर रहा है और अपने पिता ओडिन को धरती पर छोड़ दिया गया है लोगों के सामने लोकी का राज खोलने के बाद थार लोकी के साथ पिला, पिता की तलाश में निकलता है पिता को ढूंढने में थार की मदद डॉक्टर स्ट्रेंज करते हैं जो जानता है कि ओडिन कहाँ है अपने अंतिम पलों में दोनों बेटों को देखकर ओडिन अपने जीवन के एक बड़े राज से पर्दा उठाते हैं यह बताते हैं कि उनकी पहली संतान गार्ड ऑफ हेला है जो बेहद क्रूर व ताकतवर है और जिसे उन्होंने बरसों पहले बंधक बनाकर जेल में रखा है लेकिन अब वह आजाद हो गई है yeah. हेला रगना रोग को हासिल करना चाहती है ताकि वह पूरी दुनिया और अक्साट को ख़त्म कर सके हेला के सामने थार काफ़ी कमजोर है हेला की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस पर थार का ताकतवर हथौड़ा भी काम नहीं करता हेला उसे किसी बच्चे के खिलौने की तरह चूर चूर कर देती है लेकिन क्या थार हेला से अक्साट को बचा पाएगा और क्या ताकतवर हल्क इस लड़ाई में थार का साथ देगा क्या बिना हथौड़े के थार शक्तिशाली हेला से जीत पाएगा इन सब सवालों के जवाब आपको इसी फिल्म में आगे मिलते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्बल सीरीज की अन्य फिल्मों की तरह इस फिल्म की कहानी भी बे बेहद रोचक और मजेदार है ताइका वेटिटी द्वारा निर्देशित फिल्म की सिनेमाटोग्राफी जबरदस्त है लेकिन फिल्म में अपने पिछली फिल्मों की तुलना में एक्शन सीन की कमी नजर आई जो इससे थोड़ी कमजोर बनाती है क्रिस क्रिसमसुअर्थ थार और मार्क रफेल यानी कि हल्क थार के तीसरे भाग में जबरदस्त एक, एक्टिंग की है बीच बीच में दोनों के बीच नोकझोंक लोगों को रोमांचित करने के साथ साथ हंसाती भी है वही फिल्म में गार्डसन ऑफ डेटकेटकेट ब्लैंकेट यानी हेला ने थार को अपनी दमदार एक्टिंग से कड़ी टक्कर दी है इस फिल्म को आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं दमदार एक्शन से भरपूर इस फिल्म के कुछ डायलॉग्स को ठहाके लगाने पर मजबूर कर देंगे फिल्म का 3D इफेक्ट और इस इसे और भी बेहतरीन बनाता है आइए जानते हैं इससे पहले मॉर्बल की मूवीज के बारे में थॉर जो कि 2011 में आई थी थॉर एमसीयू में चौथी फिल्म है और इसमें क्रिस हेमरथ को लीड रोल में नताली पॉटमैन ने जॉन फोस्टर और टॉम हिडल को लोकी के रूम में दिखाया गया है यह एम के पार्ट वन का हिस्सा है और न केवल थार बल्कि दूसरी मार्बल फिल्मों की कहानी को भी सेट करता है फिल्म में थार को अक्सार्ड से पृथ्वी पर भेज दिया गया है उसकी शक्तियों और उसके हथौड़ा हाँ मजोलनर को छीन लिया जाता है पृथ्वी पर वह जेन फोस्टर से मिलता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है इस बीच उसके भाई लोकी ने अक, अक्साडियन सिंहासन लेने की साजिश रची थार एंड थंडर देखने का प्लान बना रहे लोगों को यह पहली थार फिल्म जरूर देखनी चाहिए आप डिजनी प्लस हाथ स्टार पर फिल्म को देख सकते हैं थार द डार्क वर्ल्ड दो में रिलीज हुई सीरीज का अगला पार्ट है और एम में आठवीं फिल्म है क्रिस हेमोर्थ नताली पोर्टमैन और टॉम एडलसन ने पिछली फिल्म में अपने रोल को दोहराया था यह एम के फेज टू का हिस्सा है और द एवेंजर्स के बाद रिलीज हुई थी इस फिल्म में जेन की एम में अंतिम प्रोसेस है अब तो अब वह थार लव एंड थंडर में नजर आई थी अब डिजनी प्लस हॉट स्टार पर फिल्म को स्ट्रीम कर सकते हैं गॉडियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 हज़ार चौदह भले ही थार गॉडियंस ऑफ द गैलेक्सी फिल्म में नहीं है लेकिन इस फिल्म के कई कैरेक्टर थार लव एन थेंडर में अभिनय करेंगे फिल्म में क्रिस प्रैंड सलदाना डेव बस्तिता बिन डीजल और ब्रेडली कपूर ने अभिनय किया है यह फिल्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर उपलब्ध है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम टू दो हजार सत्रह पॉम क्लेविटम की निभाई गई मंटिस इस फिल्म में पेरेंट्स के साथ जुड़ती है वह थार लव एंड थंडर में भी नज़र आएंगी इस फिल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप देख सकते हैं थार रगना 2017 थार रग्नारोक का निर्देशन ताइका वेट्टी ने किया है जो थार लव एंड थंडर के निर्देशक भी हैं फिल्म ने वल्किरी टेसा थाम्सन कार्क वेटिटी और ग्रैंड मास्टर जेफ गोल्डब्लम को दिखाया गया है और ये कैरेक्टर थार की नई फिल्म में भी दिखाई देंगे एवेंजर्स इन्फिनिटी वार 2018 एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में थार ने पहली बार पेरेंट्स के साथ टीम बनाई फिल्म में एवेंजर्स एंड द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने थेनेस को दिखाया गया थेनेस ने ब्रह्मांड में सभी के जीवन के आधे हिस्से को मारने और उनकी खोज के लिए दिखाया गया जिसे छः सर्वशक्तिशाली इन्फिनिटी स्टांस को इकट्ठा करने से रोकने की कोशिश करते हुए भी दिखाया गया है एवेंजर्स दो के बाद एवं ने उम्मीद खो दी है फिर वह दुनिया को बचाने के लिए फिर से एवेंजर्स के साथ मिलकर काम करता है अंत में थार गॉर्ज थीम में शामिल हो जाता है और वल्कि को न्यू ऑक्सार्ड का राजा बना देता है मॉर्बल की उस साल की आखिरी फिल्म थार रगना राग तीन नवंबर को बड़ी स्क्रीन पर दस्तक दी थी हल्क की एक बार फिर से वापसी हो चुकी है थार सीरीज सी की यह फिल्म कई मायनों में खास है इस बार आपको थार की बहन भी देखने को मिलेगी थार की बहन हेला इस फिल्म में गार्डेस ऑफ दिट के किरदार में है इसी के खिलाफ थार और लेकी साथ दिखाई देंगे फिल्म की कहानी शुरू होती है शटर पर बेड़ियों में जकड़े थार से शटर यूनिवर्स का दूसरा हिस्सा है जहां से थार शटर का मुकुट ले आता है जिसका असली इस्तेमाल फिल्म के आखिर में पता चलता है फिल्म की पूरी कहानी हेला को हरा कर शांति कायम करने के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म में थार का एकमात्र मकसद एच गार्ड को रेगना रॉक से बचाना है इस बार मार्बल ने थार के भाई की बजाय उनसे लड़ने के लिए उसकी बहन को चुना है लोकी थार के साथ ही लड़ते नजर आते हैं जैसा कि बताया गया है थार के साथ ही यूनिवर्स के इस हिस्से में कई लोग कैद हैं और इन कैदियों का एक भीषण युद्ध करवाना करवाया जाना है इस तरह से मार्बल अपने एक लोकप्रिय किरदार हल्क को थार से इस भीषण लड़ाई में डालकर फिल्म का लुप्त बढ़ा देता है ये फाइटिंग सिक्वेंस पैसा वसूल है हल्क पहले भी थार के साथ दिख चुके हैं और उनके साथी अवेंजर भी थार की ये लड़ाई उन्हें वक्त के साथ लड़ने पर मजबूर करती है क्योंकि थार को अपनी शक्तिशाली बहन हेला से अपनी दुनिया को भी बचाना है हेला फिल्म में गॉडेस ऑफ दट के किरदार में है ऐसे में थार की दुनिया यानी अक्सार्डियन सिविलाइजेशन में उनका आतंक छाया हुआ है वो हर चीज़ तबाह करने वाली तुली हुई हैं ऐसे में थार उनसे लड़ने तो आते हैं पर जरा ध्यान दें कि महाबली थार कहा थोड़ा आपको फिल्म में नहीं दिखेगा ऐसे में थार के फैन थोड़ा निराश हो सकते हैं पर फिर भी उसकी भरपाई करने को आपको हल्क के साथ के धांसू सीन भी दिखेंगे रेगना रॉक नार्स नाम की माइथोलॉजी एक टर्म है जो हिंदू धर्म के प्रलय और मुस्लिमों के क्यामत के दिन और ईसाइयों के डूम्स डे की तरह ही हैं पर इसमें खास ये है कि इसमें बस इंसानों का खात्मा नहीं होता देवताओं का भी खात्मा होता है बल्कि कहे तो देवताओं का ही खात्मा होता है जिसमें इंसानों का खुद ब खुद ख़ात्मा हो जाता है इस माइथोलॉजी के किस्से यूरोप के उत्तरी जर्मनी से लेकर सारे नार्वे के तमाम भागों में प्रचलित हैं इस अवधारणा को ही फिल्म का आधार बनाया गया है फिल्म में थार गॉडेस ऑफ देठ से भले ही ब्रह्मांड को छुटकारा दिला पाने में सफल हो जाता है हो पर अपनी बहन हेला के प्रकोप से अपनी दुनिया अक्सार्डियन सिविलाइजेशन को नहीं बचा पाता है और उसकी अपनी दुनिया का अंत हो जाता है पर खुशी की बात यह है कि ये अंत हमेशा के लिए नहीं होता कई बार कुछ ही समय के लिए होता है दरअसल इसे नई शुरुआत का सूत्रपात मान सकते हैं तो आगे की फिल्मों में आपको प्लेनेट वैसा ही फिर से बसा दिख सकता है मार्बल की फिल्मों में ग्राफिक्स और बीफेक्स वगैरह जमकर यूज किया गया है इस मामले में आपको इस फिल्म में भी निराशा हाथ नहीं लगेगी आप इंजॉय करने के लिए फिल्म देखना चाहे तो थ्री में भी यह फिल्म देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता है फिल्म थार के नए दर्शकों के लिए थोड़ी सी उलझी हो सकती है कहा जा रहा था कि डायरेक्टर ताइका वेडिटी ने इसमें ह्यूमर डालने की पूरी कोशिश की है जो कहीं कहीं सफल भी दिखती है पर ऐसा नहीं कि फिल्म आपको हंसाती ही रहे राइटिंग के 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 लिए लिए फिल्म में में उनका नाम नहीं है। है। एक्शन और थिलर फिल्मों की के के फिल्में देखना हमेशा एक ट्रीट जैसा रहा इसी क्रम आपको दांतों तले उंगलियां दबा लेने वाला एक्टर क्रिस् मार्क राफेलो टैम हिंडल केट ब्ले, ब्लेंड टीसा थम्पसन जैफ गोल्डब्लम ब्लम कार्ल आर्बन और एंथनी हॉपसन जैसे बॉलीवुड सितारों से सजी या हॉलीवुड सितारों से सज्जिया फिल्म यूथ तो थॉर के बारे में है लेकिन सुपर हीरो हल के फैंस को भी निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रेलर से लेकर पोस्टर और फिल्म की लीड लाइन तक हल्क का हल्क तक तकरीबन तक 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 हर जगह दिखाने की कोशिश की गई है एडवेंचर से भरपूर यह मार्बल मूवी आपको अब तक रिलीज हुई सभी मार्बल मूवीज से थोड़ा बेहतर लगेगी ऐसा लगता है कि हर मार्बल मूवी में निर्देशक पिछली रिलीज हुई फिल्मों से सीखते जा रहे हैं की बात करें तो ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर थार खुद को एक जानलेवा हालत में पाता है और यह चीज़ें उसे हल्क से मिलवा देती हैं एवेंजर्स में थार के साथ मिलकर जंग जीत चुका हल्क भी थार के मिशन में उसके साथ हो लेता है और फिर दोनों निकल पड़ते हैं एक ऐसी खोज पर जिसमें वह वक्त का सफर तय करके हेला द्वारा थार के घर को नष्ट कर देने से रोकना चाहते हैं फिल्म की कहानी और एक्शन आपको कहीं भी बोर नहीं होने देगा और दो घंटे दस मिनट की यह फिल्म आपको फुल इंटरटेन

इसकी शुरुआत हुई थी साल 2008 में आई फिल्म आयरन मैन से निर्माताओं ने इस सीरीज के तेईस फिल्मों से में सभी सुपर हीरोज़ को एक बेहतरीन कहानी देकर एक कड़ी में जोड़ा है इस सीरीज की हर एक फिल्म में कुछ रोचक बातें हैं और हम इस आज की वीडियो में इससे जुड़े कुछ अनजाने तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे अगर आप मार्बल के प्रशंसक हैं तो आपको पता होगा कि इसके फिल्मों की श्रृंखला कितनी अद्भुत है इसके हर फिल्म में हर एक सुपर हीरो की अपनी कहानी है जिन्हें तेरह वर्षों में बनाया गया है और एक एक कर दर्शकों के बीच लाया गया है अंत में सभी फिल्मों को एक कड़ी में जोड़कर एक फिल्म एवेंजर्स एंडगेम से निष्कर्ष निकाला गया है फिल्मों की इस श्रृंखला में जितने भी सुपरहीरो शामिल हैं उन्हें ही एवेंजर्स नाम दिया गया है उन्हीं एवेंजर्स से जुड़ी फिल्म के दृश्यों या रिलीजिंग या शूटिंग के दौरान कुछ रोचक और अजनबी बातें हैं जिन्हें हम आज आपके साथ साझा करेंगे मार्बल कॉमिक के महान लेखक स्टैनली ने भूतकाल में अपने कई संघर्षों के बाद आयरन मैन को लॉन्च करने में सफलता पाई थी आयरन मैन जो की बाद में इस फिल्म रिलीज का सबसे स्मार्ट और दर्शकों का सबसे चहता सुपर हीरो बनकर उभरा इससे पहले पिछले कई दशकों में आयरन मैन और अन्य सुपर हीरोज़ पर कई फिल्में व सीरीज़ बन चुकी थी लेकिन स्पाइडरमैन की फिल्म सीरीज के अलावा सभी फिल्मों को दर्शकों द्वारा नकारा जा चुका था पहली सफलतम फिल्म जिसने बिलियन में कदम रखा द एवेंजर्स मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म थी जिसने दुनिया भर के सिनेमाघरों में एक बिलियन डॉलर से भी अधिक कमाई की थी यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने सुपर हीरो फिल्मों को एक नया आयाम दिया था फिल्म की कहानी एक्शन सीन बी एफ और कई सुपर हीरोज़ को एक साथ जुड़ना दर्शकों के लिए काफ़ी नया और रोमांचकारी साबित हुआ और इसे खूब पसंद किया गया था मार्बल ने द एवेंजर्स में किया था रियल सुपर हीरो का उपयोग जी हाँ द एवेंजर्स फिल्म में असली सुपर हीरो का इस्तेमाल किया गया था लेकिन वे कोई बिजली आग या काल्पनिक शक्ति पैदा करने वाले नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया के बहादुर पुलिसकर्मी थे फिल्म के एक दृश्य में जब न्यूयॉर्क शहर में एवेंजर्स का सामना उनके दुश्मनों से होता है तब निर्देशकों ने उनकी मदद करने के लिए ओहियो राज्य से तीन सौ इक्यानवे सैन्य पुलिस वर्ल्ड बटालियन के वास्तविक सदस्यों को शामिल किया था हा कैरेक्टर की गंभीरता मार्बल के अंतर्गत हाकाई एजेंट क्लिंट वार्टन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता जेरेमी रेनर ने इस कैरेक्टर को बहुत गंभीरता से लिया उन्होंने स्पष्ट रूप से तीरंदाजी सीखी थी इसलिए उनके अभिनय में खलनायकों पर चलने वाला तीर किसी पेशेवर से कम नहीं लगा हल्क के चरित्र के लिए पहली पसंद था कोई और वो चित्र दो में आई फिल्म द इनक्रेडिबल हल्क में ब्रूस बैनर द हल्क की भूमिका एडवर्ड नाटन ने निभाई थी जिन उनकी इसी प्रसिद्धि के कारण वह मार्बल के पहली पसंद थे वही बात करें द इनक्रेडिबल हल्क के निर्देशक लुई लेट्रियल के अनुसार तो हल्क के किरदार में अभिनेता मार्क रफेलो ही बहुत पहले से फिट आते थे और बाद में चलकर ऐसा ही हुआ ब्रूस बैनर हल्क की भूमिका में द एवेंजर्स और आगे की फिल्म के लिए मार्क ने नार्टन को रिप्लेस किया देखा जाए तो हल्क की भूमिका में मार्क ने एक अलग ही छाप छोड़ी है हल्क की भूमिका के लिए मार्क को मिली हॉलीवुड के सुपरस्टार आर डी जैसे प्रोत्साहना साल 2012 में जब द एवेंजर्स में ब्रूस बैनर द हल्क की भूमिका निभाने के लिए मार्क रफेलो को चुना गया तब वह एक सुपर हीरो के रूप में किसी बड़ी बजट की फिल्म में अभिनय करने के लिए असहज महसूस कर रहे थे उस समय हॉलीवुड के सुपरस्टार आर डी जे यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने उन्हें अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित किया चूँकि वह मार्क के सबसे अच्छे दोस्त थे और खुद ही सुपर हीरो आयरन मैन की भूमिका निभा रहे थे आयरन ने अपने दोस्त के लिए लिखा था कि रोफेलो लेट्स गो लेट्स डू दिस स्पाइडरमैन मैन के नाम में हाइफन का उपयोग राइटर स्टैनली ने स्पाइडरमैन मैन के नाम में हाइफोन लगाया ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि और क्योंकि सुपरमैन और स्पाइडरमैन दोनों ही एक जैसे नाम बन जाते हैं जो पहली बार तेज़ नज़र में पढ़ने पर दर्शकों के लिए संशय पैदा कर सकते हैं जर्मनी के कुछ छोटे थिएटर्स में हुआ था एवंजर्स राज आप और का विरोध साल 2014 में जब फिल्म एवंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन दुनिया भर में रिलीज हुई तब जर्मनी के कुछ शहरों में थिएटर्स में इसका विरोध हुआ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि डिजनी बॉक्स ऑफिस पर टिकटों की बिक्री का तिरपन प्रतिशत मुनाफा चाहता था जो कि पारंपरिक और फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन प्रतिशत की तुलना में अधिक था हालांकि यह संख्या में बहुत बड़ा अंतर नहीं लग स लग सकता लेकिन जर्मनी के कुछ छोटे थिएटर्स के लिए कमाई में एक बड़ा अंतर जरूर था इसलिए उस समय उन्होंने इस फिल्म को स्क्रीन नहीं दिया बोर होने से बचने के लिए सितारों ने खेला बोगल फिल्म की शूटिंग के समय लगता है जैसे कि किसी दृश्य को दिखाने के लिए सेट व लाइटिंग में समय आयोजन करना और उसके बाद दूसरे दृश्य के लिए दूसरा सेट व लाइटिंग ऐसे में एवेंजर्स के सितारों को देर तक नए शॉट के लिए इंतजार करना पड़ता था इस दौरान कैप्टन का, का, अमेरिका स्टीव राज की भूमिका निभाने वाले अभिनेता क्रिस इवांस ने बताया कि उन्होंने खुद को उबने से रोकने के लिए और भी अन्य कलाकारों जो कि उनके दोस्त भी थे के साथ बोगल गेम खूब खेला है द एवेंजर्स फिल्म को अंतरिक्ष में दिखाया गया अंतरिक्ष जहां कई सितारे चमकते हैं वही कुछ चुनिंदा दर्शकों ने द एवेंजर्स की स्क्रीनिंग के दौरान धरती के सितारों को देखा और वे दर्शक थे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ह्यूस्टन में नासा के मिशन कंट्रोल में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को द अवेंजर्स फिल्म की एक डिजिटल प्रति भेजी उस समय आई एस में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को इस फिल्म को देखने का दुर्लभ अवसर मिला था बताते चले कि द एवेंजर्स फिल्म के कुछ हिस्सों को नासा में भी फिल्माया गया था और शायद यही कारण था कि इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भी दिखाया गया है स्कॉटलेस बिच और क्विक सिल्वर के उत्पत्ति को बदला गया था कॉमिक किताबों में स्कॉटलेस चा और क्विक सिल्वर ने एक्स मैन के कैरेक्टर मैग्नो को उनकी खलनायकी में सहायता की थी लेकिन फिल्म स्टूडियो के कुछ अधिकारों के कारण एक्समैन अन्य मार्बल संस्थाओं से अलग हो गए इस कारण से एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के निर्माता टीम ने वाडा मैक्सिमम, वाडला मैक्सिमम और स्कॉटलेस और पियथ्रो मैक्समॉफ क्विक सिल्वर को एक अलग मूल कहानी दी थी इस फिल्म में वाडा स्काटल एस की भूमिका में एलिजाबेथ ओलिसन और पियथ्रो क्विक सिल्वर की भूमिका में आरोन टेलर जॉनसन नजर आए हैं कैप्टन अमेरिका सिविल वार के दौरान क्रिस हुए थे चोटिल फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वार के सह निर्देशक जो रूसो ने बताया था कि फिल्म का सबसे शक्तिशाली शॉट था स्टीव राजर्स का अपने हाथों से एक हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से रोकना इस शॉट को फिल्म के पहले टीजर ट्रेलर में भी दिखाया गया था इस सीन को शूट करने से पहले क्रिस इवांस ने शारीरिक शारीरिक रूप से चरित्र को वास्तविक रूप देने के लिए जिम में बहुत मेहनत की थी बाद में फिल्म का यह दृश्य काफ़ी शानदार साबित हुआ था लेकिन क्रिस ने शूटिंग के समय इसे फिल्माते हुए अपनी बाँह में मांसपेशियों को घायल कर लिया था ब्लैक पेंथर का नाम बाद में चुना गया मार्बल ने ब्लैक पेंथर का नाम सबसे पहले ब्लैक Black... लेपट रखना चाहता था लेकिन इसका संदर्भ एक राजनीतिक पार्टी से होने के कारण यह नाम बदल दिया गया एमसीयू के अंतर्गत ब्लैक पंथर की भूमिका निभाने वाले अभिनेता बोजमैन की साल दो में कैंसर के कारण मृत्यु हो चुकी है इसलिए निर्माताओं ने ब्लैक पंथर को एक नया रूप दिया जिसे फिल्म ब्लैक पेंथर के सुकल ब्लैक पेंथर वकंडा फॉरवर में देखा जा सकेगा जो कि 11 नवंबर 2022 को रिलीज हो रही है एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में एक पुराने बिलन की वापसी कैप्टन अमेरिका द फास्टर एवेंजर्स में मुख्य बिलन रेड स्कार को आखिरी बार इसी फिल्म में देखा गया था और इसकी उपस्थिति तब तक एक रहस्य बन बनी रही जब तक कि इसे सिनेमाघरों में फिल्म एवेंजर्स इन्फेंटिवार में नहीं दिखाया गया था एवेंजर्स इन्फेंटिवार यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हॉलीवुड मूवी ट्रेलर यूट्यूब पर लॉन्च होने वाली फिल्म के ट्रेलर में एवेंजर्स इन्फेंटिवार का ट्रेलर सबसे लोकप्रिय ट्रेलर बना हुआ है यूट्यूब पर अब तक इससे दो मिलियन से भी अधिक देखा जा चुका है स्क्रिप्ट में ना होते हुए भी स्क्रिप्ट में ना होते हुए भी एक डायलॉग बन गया मजाक किया फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में एक दृश्य के दौरान टाइटन ग्रह पर कुछ सुपर हीरोज आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं जिसमें आयरन मैन स्टार लॉर्ड और ड्रैक्स भी शामिल हैं उसी दौरान तीनों में एक संवाद होता है जिसमें स्टार लॉर्ड पूछता है कि गमोरा कहाँ है इस पर आयरन मैन कहता है कौन है गमोरा मजे की बात तब होती है जब ड्रैक्स कहता है कि क्यों है गमोरा एक खुलासे में पता चलता है कि ड्रैक्स का डायलॉग तो फिल्म के स्क्रिप्ट में था ही नहीं लेकिन ड्रैक्स ने इस अंदाज ने दर्शकों को और भी मज़ाकिया बना दिया जिस कारण निर्माताओं ने इसे फिल्म में शामिल कर लिया था एवेंजर्स एंडगेम बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड में एक अरब डॉलर की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी दुनिया भर में एवेंजर्स के प्रशंसकों की भारी संख्या के चलते एवेंजर्स फ्रेंचाइजी के अंतर्गत तीन फिल्मों ने अलग अलग एक अरब डॉलर से भी अधिक कमाई की थी जो कि किसी मील के पत्थर से कम नहीं थी लेकिन जब फिल्म के चौथे सुकल एवेंजर्स एंडगेम को लॉन्च किया गया तब इस फिल्म ने महज पाँच दिनों के भीतर एंडगेम ने वन अरब डॉलर की कमाई कर ली थी आज एंडगेम दुनिया भर की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है जो कि जेम्स कैमरन के अवतार फिल्म के बाद आती है इसके साथ ही गेम मार्बल की सबसे लंबी फिल्म है जिसकी रनिंग टाइम एक मिनट है एवांजलिन लिली और पाल रड ने एक साथ की मार्बल के दो फिल्मों की शूटिंग मार्बल का रिलीज शेड्यूल विस्तृत है जिसमें कई बार एक ही समय के कई प्रोजेक्ट्स को फिल्माना पड़ता है इसलिए कई मुख्य पात्रों को स्टोरी लाइन जोड़ते हुए सभी फिल्मों के बीच निरंतरता बनाए रखना पड़ता है चूँकि फिल्म एंट मैन एंड द वास्प और एवेंजर्स इंड गेम रिलीज होने के लिए एक ही लाइन अप में थे इसलिए दोनों फिल्मों की शूटिंग एक ही समय में होना स्वाभाविक था इस बीच फिल्म के दो सुपर हीरो कैरेक्टर एंटमैन और द वास्ट की भूमिका निभाने वाले कलाकारों एवांजलिन लिली और पालरट को अक्सर दोनों फिल्मों की शूटिंग के लिए उपस्थित रहना पड़ता था जो कि उनके लिए वाकई में सबसे बेस्ट दौर था मार्बल सीरीज की मोस्ट अवॉन्टेड फिल्म थार रैगना रॉक रिलीज हो गई थी ताइका वेटिस द्वारा निर्देशित फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज की नई एंट्री हुई है कहानी फिल्म की कहानी की शुरुआत ओडिन के बेटे थॉर यानी क्रिस हेमॉर्स से होती है जो अपने पुराने दुश्मन सर्तुर को ख़त्म करके अपने घर लौटता है लेकिन वह उसके पिता ओडिन नहीं होते हैं लोकी अपने पिता का रूप धारण करके अक्षाड़ पर शासन कर रहा है और अपने पिता ओडिन को धरती पर छोड़ दिया गया है लोगों के सामने लोकी का राज खोलने के बाद थार लोकी के साथ पिला, पिता की तलाश में निकलता है पिता को ढूंढने में थार की मदद डॉक्टर स्ट्रेंज करते हैं जो जानता है कि ओडिन कहाँ है अपने अंतिम पलों में दोनों बेटों को देखकर ओडिन अपने जीवन के एक बड़े राज से पर्दा उठाते हैं यह बताते हैं कि उनकी पहली संतान गार्ड ऑफ हेला है जो बेहद क्रूर व ताकतवर है और जिसे उन्होंने बरसों पहले बंधक बनाकर जेल में रखा है लेकिन अब वह आजाद हो गई है। हेला रग्न रोग को हासिल करना चाहती है ताकि वह पूरी दुनिया और अक्साड़ को खत्म कर सके हेला के सामने थार काफी कमजोर है हेला की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस पर थार का ताकतवर हथौड़ा भी काम नहीं करता हेला उसे किसी बच्चे के खिलौने की तरह चोर चोर कर देती है लेकिन क्या थार हेला से अक्साठ को बचा पाएगा और क्या ताकतवर हल्क इस लड़ाई में थार का साथ देगा क्या बिना हथौड़े के थार शक्तिशाली हेला से जीत पाएगा इन सब सवालों के जवाब आपको इसी फिल्म में आगे मिलते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्बल सीरीज़ की अन्य फिल्मों की तरह इस फिल्म की कहानी भी बेहद रोचक और मज़ेदार है टाइका वेटिटी द्वारा निर्देशित फिल्म की सिनेमाटोग्राफी जबरदस्त है लेकिन फिल्म में अपने पिछली फिल्मों की तुलना में एक्शन सीन की कमी नजर आई जो इससे थोड़ी कमजोर बनाती है क्रिस क्रिसमसुर्थ थार और मार्क यानी कि हल्क थार के तीसरे भाग में जबरदस्त एक, एक्टिंग की है बीच बीच में दोनों के बीच नोकझोंक लोगों को रोमांचित करने के साथ साथ हंसाती भी है वही फिल्म में गार्डसन ऑफ डेडकेटेड ब्लैंकेट यानी हेला ने थार को अपनी दमदार एक्टिंग से कड़ी टक्कर दी है इस फिल्म को आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं दमदार एक्शन से भरपूर इस फिल्म के कुछ डायलॉग्स को ठहाके लगाने पर मजबूर कर देंगे फिल्म का 3D इफेक्ट और इसे इसे और भी बेहतरीन बनाता है आइए जानते हैं इससे पहले मॉर्बल की मूवीज के बारे में थॉर जो कि 2011 में आई थी थॉर एमसीयू में चौथी फिल्म है और इसमें क्रिस हेमरथ को लीड रोल में नताली पोर्टमैन ने जॉन फोस्टर और टॉम हिडल को लोकी के रूम में दिखाया गया है यह एम के पार्ट वन का हिस्सा है और न केवल थार बल्कि दूसरी मार्बल फिल्मों की कहानी को भी सेट करता है फिल्म में थार को अक्सार्ड से पृथ्वी पर भेज दिया गया है उसकी शक्तियों और उसके हथौड़ा हाँ मजोलनर को छीन लिया जाता है पृथ्वी पर वह जेन फोस्टर से मिलता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है इस बीच उसके भाई लोकी ने अक, अक्साडियन सिंहासन लेने की साजिश रची थार एंड थंडर देखने का प्लान बना रहे लोगों को यह पहली थार फिल्म जरूर देखनी चाहिए आप डिजनी प्लस हाथ स्टार पर फिल्म को देख सकते हैं थार द डार्क वर्ल्ड दो में रिलीज हुई सीरीज का अगला पार्ट है और एम में आठवीं फिल्म है क्रिस हेमोर्थ नताली पोर्टमैन और टॉम एडलसन ने पिछली फिल्म में अपने रोल को दोहराया था यह एम के फेज टू का हिस्सा है और द एवेंजर्स के बाद रिलीज हुई थी इस फिल्म में जेन की एम में अंतिम प्रोसेस है अब तो अब वह थार लव एंड थंडर में नजर आई थी अब डिजनी प्लस हॉट स्टार पर फिल्म को स्ट्रीम कर सकते हैं गॉडियंस ऑफ़ द गैलेक्सी 2014 हज़ार चौदह भले ही थार गॉडियंस ऑफ द गैलेक्सी फिल्म में नहीं है लेकिन इस फिल्म के कई कैरेक्टर थार लव एंड थेंडर में अभिनय करेंगे फिल्म में क्रिस प्रैंड सल्डाना डेव बस्तिता बिन डीजल और ब्रेडली कपूर ने अभिनय किया है यह फिल्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर उपलब्ध है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम टू दो हजार सत्रह पॉम क्लेविटम की निभाई गई मंटिस इस फिल्म में पेरेंट्स के साथ जुड़ती है वह थार लव एंड थंडर में भी नजर आएंगी इस फिल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप देख सकते हैं थार रगनारो दो हज़ार सत्रह थार रग्नारोक का निर्देशन ताइका वेट्टी ने किया है जो थार लव एंड थंडर के निर्देशक भी हैं फिल्म ने वल्किरी टेसा थाम्सन कार्क वेटिटी और ग्रैंड मास्टर जेफ गोल्डब्लम को दिखाया गया है और ये कैरेक्टर थार की नई फिल्म में भी दिखाई देंगे एवेंजर्स इन्फिनिटी वार 2018 एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में थार ने पहली बार पेरेंट्स के साथ टीम बनाई फिल्म में एवेंजर्स एंड द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने थेनेस को दिखाया गया थेनेस ने ब्रह्मांड में सभी के जीवन के आधे हिस्से को मारने और उनकी खोज के लिए दिखाया गया जिसे छह सर्वशक्तिशाली इन्फिनिटी स्टांस को इकट्ठा करने से रोकने की कोशिश करते हुए भी दिखाया गया है एवेंजर्स दो के बाद एवं ने उम्मीद खो दी है फिर वह दुनिया को बचाने के लिए फिर से एवेंजर्स के साथ मिलकर काम करता है अंत में थार गॉर्ज थीम में शामिल हो जाता है और वल्कि को न्यू ऑक्सार्ड का राजा बना देता है मॉर्बल की उस साल की आखिरी फिल्म थार रगना राग तीन नवंबर को बड़ी स्क्रीन पर दस्तक दी थी हल्क की एक बार फिर से वापसी हो चुकी है थार सीरीज सी की यह फिल्म कई मायनों में खास है इस बार आपको थार की बहन भी देखने को मिलेगी थार की बहन हेला इस फिल्म में गार्डेस ऑफ दिट के किरदार में है इसी के खिलाफ थार और लेकी साथ दिखाई देंगे फिल्म की कहानी शुरू होती है शटर पर बेड़ियों में जकड़े थार से शटर यूनिवर्स का दूसरा हिस्सा है जहां से थार शटर का मुकुट ले आता है जिसका असली इस्तेमाल फिल्म के आखिर में पता चलता है फिल्म की पूरी कहानी हेला को हरा कर शांति कायम करने के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म में थार का एकमात्र मकसद एच गार्ड को रेगना रॉक से बचाना है इस बार मार्बल ने थार के भाई की बजाय उनसे लड़ने के लिए उसकी बहन को चुना है लोकी थार के साथ ही लड़ते नजर आते हैं जैसा कि बताया गया है थार के साथ ही यूनियर्स के इस हिस्से में कई लोक कैद हैं और इन कैदियों का एक भीषण युद्ध करवाना करवाया जाना है इस तरह से मार्बल अपने एक लोकप्रिय किरदार हल्क को थार से इस भीषण लड़ाई में डालकर फिल्म का लुप्त बढ़ा देता है यह फाइटिंग सीक्वेंस पैसा वसूल है हल्क पहले भी थार के साथ दिख चुके हैं और उनके साथ ही अवेंजर भी थार की यह लड़ाई उन्हें वक्त के साथ लड़ने पर मजबूर करती है क्योंकि थार को अपनी शक्तिशाली बहन हेला से अपनी दुनिया को भी बचाना है हेला फिल्म में गॉडेस ऑफ दट के किरदार में है ऐसे में थार की दुनिया यानी अक्सार्डियन सिविलाइजेशन में उनका आतंक छाया हुआ है वो हर चीज़ तबाह करने वाली तुली हुई हैं ऐसे में थार उनसे लड़ने तो आते हैं पर जरा ध्यान दें कि महाबली थार कहा थोड़ा आपको फिल्म में नहीं दिखेगा ऐसे में थार के फैन थोड़ा निराश हो सकते हैं पर फिर भी उसकी भरपाई करने को आपको हल्क के साथ के धांसू सीन भी दिखेंगे रेगना रॉक नार्स नाम की माइथोलॉजी एक टर्म है जो हिंदू धर्म के प्रलय और मुस्लिमों के क़्यामत के दिन और ईसाइयों के डूम्स डे की तरह ही हैं पर इसमें खास ये है कि इसमें बस इंसानों का खात्मा नहीं होता देवताओं का भी खात्मा होता है बल्कि कहे तो देवताओं का ही खात्मा होता है जिसमें इंसानों का खुद ब खुद ख़ात्मा हो जाता है इस माइथोलॉजी के किस्से यूरोप के उत्तरी जर्मनी से लेकर सारे नार्वे के तमाम भागों में प्रचलित हैं इस अवधारणा को ही फिल्म का आधार बनाया गया है फिल्म में थार गॉडेस ऑफ देठ से भले ही ब्रह्मांड को छुटकारा दिला पाने में सफल हो जाता है हो पर अपनी बहन हेला के प्रकोप से अपनी दुनिया अक्सार्डियन सिविलाइजेशन को नहीं बचा पाता है और उसकी अपनी दुनिया का अंत हो जाता है पर खुशी की बात यह है कि ये अंत हमेशा के लिए नहीं होता कई बार कुछ ही समय के लिए होता है दरअसल इसे नई शुरुआत का सूत्रपात मान सकते हैं तो आगे की फिल्मों में आपको प्लेनेट वैसा ही फिर से बसा दिख सकता है मार्बल की फिल्मों में ग्राफिक्स और बीफेक्स वगैरह जमकर यूज किया गया है इस मामले में आपको इस फिल्म में भी निराशा हाथ नहीं लगेगी आप इंजॉय करने के लिए फिल्म देखना चाहें तो थ्री में भी यह फिल्म देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता है फिल्म थार के नए दर्शकों के लिए थोड़ी सी उलझी हो सकती है कहा जा रहा था कि डायरेक्टर ताइका वेडिटी ने इसमें ह्यूमर डालने की पूरी कोशिश की है जो कहीं कहीं सफल भी दिखती है पर ऐसा नहीं कि फिल्म आपको हंसाती ही रहे राइटिंग के 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 लिए लिए फिल्म में में उनका नाम नहीं है। है। एक्शन और थिलर फिल्मों की के के फिल्में देखना हमेशा एक ट्रीट जैसा रहा इसी क्रम आपको दांतों तले उंगलियां दबा लेने वाला एक्टर क्रिस् मार्क रफेलो टॉम हिडलस्टन केट ब्ले, ब्लेंड टीसा थॉमसन जेफ गोल्डब्लम ब्लम कार्ल आर्बन और एंथनी हॉपसन जैसे बॉलीवुड सितारों से सजी या हॉलीवुड सितारों से सज्जिया फिल्म यूथ तो थॉर के बारे में है लेकिन सुपर हीरो हल के फैंस को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रेलर से लेकर पोस्टर और फिल्म की लीड लाइन तक हल्क का हल्क तक तकरीबन तक हर जगह दिखाने की कोशिश की गई है एडवेंचर से भरपूर यह मार्बल मूवी आपको अब तक रिलीज हुई सभी मार्बल मूवीज से थोड़ा बेहतर लगेगी ऐसा लगता है कि हर मार्बल मूवी में निर्देशक पिछली रिलीज हुई फिल्मों से सीखते जा रहे हैं कहानी की बात करें तो ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर थार खुद को एक जानलेवा हालत में पाता है और यह चीज़ें उसे हल्क से मिलवा देती हैं एवेंजर्स में थार के साथ मिलकर जंग जीत चुका हल्क भी थार के मिशन में उसके साथ हो लेता है और फिर दोनों निकल पड़ते हैं एक ऐसी खोज पर जिसमें वह वक्त का सफर तय करके हेला द्वारा थार के घर को नष्ट कर देने से रोकना चाहते हैं फिल्म की कहानी और एक्शन आपको कहीं भी बोर नहीं होने देगा और दो घंटे दस मिनट की फिल्म आपको फुल एंटरटेनमेंट का पैकेज देगी फिल्म को मिला अब तक ऑडियंस रिव्यू और क्रिकेट रिव्यू पॉजिटिव है गूगल पर चौरानवे परसेंट लोगों ने फिल्म को पसंद किया और इसे थार की अब तक की सभी फिल्मों से ज्यादा बेहतर बताया है एम यानी मार्बल सिनेमेटिक यूनिवर्स के अंतर्गत आने वाली सुपर हीरोज़ की फिल्म सीरीज दुनिया की सबसे सफलतम फिल्म सीरीज़ है जिसकी हर फिल्म में शामिल सुपर हीरोज मेल हो या फीमेल सभी का कैरेक्टर एक से बढ़कर एक है इसकी शुरुआत हुई थी साल 2008 में आई फिल्म आयरन मैन से निर्माताओं ने इस सीरीज़ के तेईस फिल्मों से में सभी सुपर हीरोज को एक बेहतरीन कहानी देकर एक कड़ी में जोड़ा है इस सीरीज की हर एक फिल्म में कुछ रोचक बातें हैं और हम इस आज की वीडियो में इससे जुड़े कुछ अनजाने तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे अगर आप मार्बल के प्रशंसक हैं तो आपको पता होगा कि इसके फिल्मों की श्रृंखला कितनी अद्भुत है इसके हर फिल्म में हर एक सुपर हीरो की अपनी कहानी है जिन्हें तेरह वर्षों में बनाया गया है और एक एक कर दर्शकों के बीच लाया गया है अंत में सभी फिल्मों को एक कड़ी में जोड़ कर कर एक फिल्म एवेंजर्स एंडगेम से निष्कर्ष निकाला गया है फिल्मों की इस श्रृंखला में जितने भी सुपरहीरो शामिल हैं उन्हें ही एवेंजर्स नाम दिया गया है उन्हीं एवेंजर्स से जुड़ी फिल्म के दृश्य या रिलीजिंग या शूटिंग के दौरान कुछ रोचक और अजनबी बातें हैं जिन्हें हम आज आपके साथ साझा करेंगे मार्बल कॉमिक के महान लेखक स्टैनली ने भूतकाल में अपने कई संघर्षों के बाद आयरन मैन को लॉन्च करने में सफलता पाई थी आयरन मैन जो की बाद में इस फिल्म रिलीज का सबसे स्मार्ट और दर्शकों का सबसे चहता सुपर हीरो बनकर उभरा इससे पहले पिछले कई दशकों में आयरन मैन और अन्य सुपर हीरोज़ पर कई फिल्में व सीरीज़ बन चुकी थी लेकिन स्पाइडरमैन की फिल्म सीरीज के अलावा सभी फिल्मों को दर्शकों द्वारा नकारा जा चुका था पहली सफलतम फिल्म जिसने बिलियन में कदम रखा द एवेंजर्स मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म थी जिसने दुनिया भर के सिनेमाघरों में एक बिलियन डॉलर से भी अधिक कमाई की थी यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने सुपर हीरो फिल्मों को एक नया आयाम दिया था फिल्म की कहानी एक्शन सीन बी एफ और कई सुपर हीरोज़ को एक साथ जुड़ना दर्शकों के लिए काफ़ी नया और रोमांचकारी साबित हुआ और इसे खूब पसंद किया गया था मार्बल ने द एवेंजर्स में किया था रियल सुपर हीरो का उपयोग जी हाँ द एवेंजर्स फिल्म में असली सुपर हीरो का इस्तेमाल किया गया था लेकिन वे कोई बिजली आग या काल्पनिक शक्ति पैदा करने वाले नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया के बहादुर पुलिसकर्मी थे फिल्म के एक दृश्य में जब न्यूयॉर्क शहर में एवेंजर्स का सामना उनके दुश्मनों से होता है तब निर्देशकों ने उनकी मदद करने के लिए ओहियो राज्य से तीन सौ इक्यानवे सैन्य पुलिस वर्ल्ड बटालियन के वास्तविक सदस्यों को शामिल किया था हा कैरेक्टर की गंभीरता मार्बल के अंतर्गत हाकाई एजेंट क्लिंट वार्टन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता जेरेमी रेनर ने इस कैरेक्टर को बहुत गंभीरता से लिया उन्होंने स्पष्ट रूप से तीरंदाजी सीखी थी इसलिए उनके अभिनय में खलनायकों पर चलने वाला तीर किसी पेशेवर से कम नहीं लगा हल्क के चरित्र के लिए पहली पसंद था कोई और वो चित्र दो हज़ार में आई फिल्म द इनक्रेडिबल हल्क में ब्रूस बैनर द हल्क की भूमिका एडवर्ड नाटन ने निभाई थी जिन उनकी इसी प्रसिद्धि के कारण वह मार्बल के पहली पसंद थे वही बात करें द इनक्रेडिबल हल्क के निर्देशक लुई लेट्रियल के अनुसार तो हल्क के किरदार में अभिनेता मार्क रफेलो ही बहुत पहले से फिट आते थे और बाद में चलकर ऐसा ही हुआ ब्रूस बैनर हल्क की भूमिका में द एवेंजर्स और आगे की फिल्म के लिए मार्क ने नार्टन को रिप्लेस किया देखा जाए तो हल्क की भूमिका में मार्क ने एक अलग ही छाप छोड़ी है हल्क की भूमिका के लिए मार्क को मिली हॉलीवुड के सुपरस्टार आर डी जे से प्रोत्साहना साल 2012 में जब द एवेंजर्स में ब्रूस बैनर द हल्क की भूमिका निभाने के लिए मार्क राफेलो को चुना गया तब वह एक सुपर हीरो के रूप में किसी बड़ी बजट की फिल्म में अभिनय करने के लिए असहज महसूस कर रहे थे उस समय हॉलीवुड के सुपरस्टार आर डी जे यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने उन्हें अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित किया चूँकि वह मार्क के सबसे अच्छे दोस्त थे और खुद ही सुपर हीरो आयरन मैन की भूमिका निभा रहे थे आयरन ने अपने दोस्त के लिए लिखा था कि रोफेलो लेट्स गो लेट्स डू दिस स्पाइडरमैन के नाम में हाइफन का उपयोग राइटर स्टैनली ने स्पाइडरमैन के नाम में हाइफन लगाया ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि और क्योंकि सुपरमैन और स्पाइडरमैन दोनों ही एक जैसे नाम बन जाते हैं जो पहली बार तेज नजर में पढ़ने पर दर्शकों के लिए संशय पैदा कर सकते हैं जर्मनी के कुछ छोटे थिएटर्स में हुआ था एवंजर्स राज आप और का विरोध साल 2014 में जब फिल्म एवंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन दुनिया भर में रिलीज हुई तब जर्मनी के कुछ शहरों में थिएटर्स में इसका विरोध हुआ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि डिजनी बॉक्स ऑफिस पर टिकटों की बिक्री का तिरपन प्रतिशत मुनाफा चाहता था जो कि पारंपरिक और फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन प्रतिशत की तुलना में अधिक था हालांकि यह संख्या में बहुत बड़ा अंतर नहीं लग सक लग सकता लेकिन जर्मनी के कुछ छोटे थिएटर्स के लिए कमाई में एक बड़ा अंतर जरूर था इसलिए उस समय उन्होंने इस फिल्म को स्क्रीन नहीं दिया बोर होने से बचने के लिए सितारों ने खेला बोगल फिल्म की शूटिंग के समय लगता है जैसे कि किसी दृश्य को दिखाने के लिए सेट व लाइटिंग में समय आयोजन करना और उसके बाद दूसरे दृश्य के लिए दूसरा सेट व लाइटिंग ऐसे में एवेंजर्स के सितारों को देर तक नए शॉट के लिए इंतजार करना पड़ता था इस दौरान कैप्टन का, का, अमेरिका स्टीव राज की भूमिका निभाने वाले अभिनेता क्रिस इवांस ने बताया कि उन्होंने खुद को उबने से रोकने के लिए और भी अन्य कलाकारों जो कि उनके दोस्त भी थे के साथ बोगल गेम खूब खेला है द एवेंजर्स फिल्म को अंतरिक्ष में दिखाया गया अंतरिक्ष जहां कई सितारे चमकते हैं वही कुछ चुनिंदा दर्शकों ने द एवेंजर्स की स्क्रीनिंग के दौरान धरती के सितारों को देखा और वे दर्शक थे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ह्यूस्टन में नासा के मिशन कंट्रोल में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को द अवेंजर्स फिल्म की एक डिजिटल प्रति भेजी उस समय आई एस में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को इस फिल्म को देखने का दुर्लभ अवसर मिला था बताते चले कि द एवेंजर्स फिल्म के कुछ हिस्सों को नासा में भी फिल्माया गया था और शायद यही कारण था कि इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भी दिखाया गया है स्कॉटलेस बिच और क्विक सिल्वर के उत्पत्ति को बदला गया था कॉमिक किताबों में स्कॉटलेस चा और क्विक सिल्वर ने एक्स मैन के कैरेक्टर मैग्नो को उनकी खलनायकी में सहायता की थी लेकिन फिल्म स्टूडियो के कुछ अधिकारों के कारण एक्समैन अन्य मार्बल संस्थाओं से अलग हो गए इस कारण से एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के निर्माता टीम ने वाडा मैक्सिमम, वाडला मैक्सिमम और स्कॉटलेज और पियथ्रो मैक्समॉफ क्विक सिल्वर को एक अलग मूल कहानी दी थी इस फिल्म में वाडा स्काटल एस की भूमिका में एलिजाबेथ ओलिसन और पियथ्रो क्विक सिल्वर की भूमिका में आरोन टेलर जॉनसन नजर आए हैं कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के दौरान क्रिस क्रिशवांस हुए थे चोटिल फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के सह निर्देशक जो रूसो ने बताया था कि फिल्म का सबसे शक्तिशाली शॉट था स्टीव राज का अपने हाथों से एक हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से रोकना इस शॉट को फिल्म के पहले टीजर ट्रेलर में भी दिखाया गया था इस सीन को शूट करने से पहले क्रिस क्रिशवांस ने शारीरिक शारीरिक रूप से चरित्र को वास्तविक रूप देने के लिए जिम में बहुत मेहनत की थी बाद में फिल्म का यह दृश्य काफी शानदार साबित हुआ था लेकिन क्रिस ने शूटिंग के समय

फिल्म ब्लैक पेंथर के सुकल ब्लैक पेंथर वकंडा फारेवर में देखा जा सकेगा जो कि 11 नवंबर 2022 को रिलीज हो रही है एवंजेस इन्फिनटी वार में एक पुराने बिलन की वापसी कैप्टन अमेरिका द फास्टर एवेंजर्स में मुख्य बिलन रेड स्कार को आखिरी बार इसी फिल्म में देखा गया था और इसकी उपस्थिति तब तक एक रहस्य बन बनी रही जब तक कि इसे सिनेमाघरों में फिल्म एवेंजर्स इन्फेंटिवार में नहीं दिखाया गया था एवेंजर्स इन्फेंटिवार यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हॉलीवुड मूवी ट्रेलर यूट्यूब पर लॉन्च होने वाली फिल्म के ट्रेलर में एवेंजर्स इन्फेंटिवार का ट्रेलर सबसे लोकप्रिय ट्रेलर बना हुआ है यूट्यूब पर अब तक इससे दो मिलियन से भी अधिक देखा जा चुका है स्क्रिप्ट में ना होते हुए भी स्क्रिप्ट में ना होते हुए भी एक डायलॉग बन गया मजाक किया फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में एक दृश्य के दौरान टाइटन ग्रह पर कुछ सुपर हीरोज आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं जिसमें आयरन मैन स्टार लॉर्ड और ड्रैक्स भी शामिल हैं उसी दौरान तीनों में एक संवाद होता है जिसमें स्टार लॉर्ड पूछता है कि गमोरा कहाँ है इस पर आयरन मैन कहता है कौन है गमोरा मजे की बात तब होती है जब ड्रैक्स कहता है कि क्यों है गमोरा एक खुलासे में पता चलता है कि ड्रैक्स का डायलॉग तो फिल्म के स्क्रिप्ट में था ही नहीं लेकिन ड्रैक्स ने इस अंदाज ने दृश्यों को और भी मज़ाकिया बना दिया जिस कारण निर्माताओं ने इसे फिल्म में शामिल कर लिया था एवेंजर्स एंडगेम बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड में एक अरब डॉलर की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी दुनिया भर में एवेंजर्स के प्रशंसकों की भारी संख्या के चलते एवेंजर्स फ्रेंचाइजी के अंतर्गत तीन फिल्मों ने अलग अलग एक अरब डॉलर से भी अधिक कमाई की थी जो कि किसी मील के पत्थर से कम नहीं थी लेकिन जब फिल्म के चौथे सुकल एवेंजर्स एंडगेम को लॉन्च किया गया तब इस फिल्म ने महज पाँच दिनों के भीतर एंडगेम ने वन अरब डॉलर की कमाई कर ली थी आज एंडगेम दुनिया भर की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है जो कि जेम्स कैमरन के अवतार फिल्म के बाद आती है इसके साथ ही गेम मार्बल की सबसे लंबी फिल्म है जिसकी रनिंग टाइम एक मिनट है एवांजलिन लिली और पाल रड ने एक साथ की मार्बल के दो फिल्मों की शूटिंग मार्बल का रिलीज शेड्यूल विस्तृत है जिसमें कई बार एक ही समय के कई प्रोजेक्ट्स को फिल्माना पड़ता है इसलिए कई मुख्य पात्रों को स्टोरी लाइन जोड़ते हुए सभी फिल्मों के बीच निरंतरता बनाए रखना पड़ता है चूंकि फिल्म एंट मैन एंड द वास्प और एवेंजर्स इंड गेम रिलीज होने के लिए एक ही लाइन अप में थे इसलिए दोनों फिल्मों की शूटिंग एक ही समय में होना स्वाभाविक था इस बीच फिल्म के दो सुपर हीरो कैरेक्टर एंटमैन और द वास्ट की भूमिका निभाने वाले कलाकारों एवांजलिन लिली और पालरट को अक्सर दोनों फिल्मों की शूटिंग के लिए उपस्थित रहना पड़ता था जो कि उनके लिए वाकई में सबसे बेस्ट दौर था मार्बल सीरीज की मोस्ट अवॉन्टेड फिल्म थार रैगना रॉक रिलीज हो गई थी ताइका वेटिस द्वारा निर्देशित फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज की नई एंट्री हुई है कहानी फिल्म की कहानी की शुरुआत ओडिन के बेटे थॉर यानी क्रिस हेमर्स से होती है जो अपने पुराने दुश्मन शरतुर को ख़त्म करके अपने घर लौटता है लेकिन वह उसके पिता ओडिन नहीं होते हैं लोकी अपने पिता का रूप धारण करके अक्षाड़ पर शासन कर रहा है और अपने पिता ओडिन को धरती पर छोड़ दिया गया है लोगों के सामने लोकी का राज खोलने के बाद थार लोकी के साथ पिला पिता की तलाश में निकलता है पिता को ढूंढने में थार की मदद डॉक्टर स्ट्रेंज करते हैं जो जानता है कि ओडिन कहाँ है अपने अंतिम पलों में दोनों बेटों को देखकर ओडिन अपने जीवन के एक बड़े राज से पर्दा उठाते हैं यह बताते हैं कि उनकी पहली संतान गार्ड आपडेट हेला है जो बेहद क्रूर व ताक़तवर है और जिसे उन्होंने बरसों पहले बंधक बनाकर जेल में रखा है लेकिन अब वह आज़ाद हो गई है हेला रगना रोग को हासिल करना चाहती है ताकि वह पूरी दुनिया और अक्साट को ख़त्म कर सके हेला के सामने थार काफ़ी कमजोर है हेला की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस पर थार का ताकतवर हथौड़ा भी काम नहीं करता हेला उसे किसी बच्चे के खिलौने की तरह चूर चूर कर देती है लेकिन क्या थार हेला से अक्साट को बचा पाएगा और क्या ताकतवर हल्क इस लड़ाई में थार का साथ देगा क्या बिना हथौड़े के थार शक्तिशाली हेला से जीत पाएगा इन सब सवालों के जवाब आपको इसी फिल्म में आगे मिल हैं। इसमें कोई नहीं है कि मार्बल सीरीज की आने फिल्मों की की फिल्मों तरह इस फिल्म की कहानी भी बे बेहद रोचक और मजेदार है ताइका वैटिटी द्वारा निर्देशित फिल्म की सिनेमाटोग्राफी जबरदस्त है लेकिन फिल्म में अपने पिछली फिल्मों की तुलना में एक्शन सीन की कमी नजर आई जो इससे थोड़ी कमजोर बनाती है क्रिस हेम्सोअर्थ थार और मार्क रफेलो यानी कि हल्क थार के तीसरे भाग में जबरदस्त एक, एक्टिंग की है बीच बीच में दोनों के बीच नोकझोंक लोगों को रोमांचित करने के साथ साथ हंसाती भी है वही फिल्म में गार्डसन ऑफ डेडकेटकेट ब्लैंकेट यानी हेला ने थार को अपनी दमदार एक्टिंग से कड़ी टक्कर दी है इस फिल्म को आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं दमदार एक्शन से भरपूर इस फिल्म के कुछ डायलॉग्स को ठहाके लगाने पर मजबूर कर देंगे फिल्म का थ्री इफेक्ट और इस इसे और भी बेहतरीन बनाता है आइए जानते हैं इससे पहले मॉर्बल की मूवीज के बारे में थार जो कि दो में आई थी थार एमसी में चौथी फिल्म है और इसमें क्रिस हेमर्थ को लीड रोल में नताली पोर्टमैन ने जॉन फोस्टर और टॉम हिडल को लोकी के रूम में दिखाया गया है यह एम के पार्ट वन का हिस्सा है और न केवल थार बल्कि दूसरी मार्बल फिल्मों की कहानी को भी सेट करता है फिल्म में थार को अक्सार्ड से पृथ्वी पर भेज दिया गया है उसकी शक्तियों और उसके हथौड़ा हाँ मजोलर को छीन लिया जाता है पृथ्वी पर वह जेन फोस्टर से मिलता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है इस बीच उसके भाई लोकी ने अक, अक्साडियन सिंहासन लेने की साजिश रची थार एंड थंडर देखने का प्लान बना रहे लोगों को यह पहली थार फिल्म जरूर देखनी चाहिए आप डिजनी प्लस हाथ स्टार पर फिल्म को देख सकते हैं थार द डार्क वर्ल्ड दो में रिलीज हुई सीरीज का अगला पार्ट है और एम में आठवीं फिल्म है क्रिस हेमोर्थ नताली पोर्टमैन और टॉम एडलसन ने पिछली फिल्म में अपने रोल को दोहराया था यह एम के फेज टू का हिस्सा है और द एवेंजर्स के बाद रिलीज हुई थी इस फिल्म में जेन की एम में अंतिम प्रोसेस है अब तो अब वह थार लव एंड थंडर में नजर आई थी अब डिजनी प्लस हॉट स्टार पर फिल्म को स्ट्रीम कर सकते हैं गॉडियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 हज़ार चौदह भले ही थार गॉडियंस ऑफ द गैलेक्सी फिल्म में नहीं है लेकिन इस फिल्म के कई कैरेक्टर थार लव एंड थेंडर में अभिनय करेंगे फिल्म में क्रिस प्रैंड सलदाना डेव बस्तिता बिन डीजल और ब्रेडली कपूर ने अभिनय किया है यह फिल्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर उपलब्ध है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम टू दो हजार सत्रह पॉम क्लेविटम की निभाई गई मंटिस इस फिल्म में पेरेंट्स के साथ जुड़ती है वह थार लव एंड थंडर में भी नज़र आएंगी इस फिल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप देख सकते हैं थार रगना रोक दो हज़ार सत्रह थार रग्नारोक का निर्देशन ताइका वेट्टी ने किया है जो थार लव एंड थंडर के निर्देशक भी हैं फिल्म ने वल्किरी टेसा थाम्सन कार्क वेटिटी और ग्रैंड मास्टर जेफ गोल्डब्लम को दिखाया गया है और ये कैरेक्टर थार की नई फिल्म में भी दिखाई देंगे एवेंजर्स इन्फिनिटी वार 2018 एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में थार ने पहली बार पेरेंट्स के साथ टीम बनाई फिल्म में एवेंजर्स एंड द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने थेनेस को दिखाया गया थेनोस ने ब्रह्मांड में सभी के जीवन के आधे हिस्से को मारने और उनकी खोज के लिए दिखाया गया जिसे छह सर्वशक्तिशाली इन्फिनिटी स्टैंड को इकट्ठा करने से रोकने की कोशिश करते हुए भी दिखाया गया है एवेंजर्स एंड गेम दो एवेंजर्स एंड गेम में दिखाया गया है कि थेनास से हारने के बाद थार ने उम्मीद खो दी है फिर वह दुनिया को बचाने के लिए फिर से एवेंजर्स के साथ मिलकर काम करता है अंत में थॉर गॉर्ज थीम में शामिल हो जाता है और वल्कि को न्यू अक्साड का राजा बना देता है मॉर्बल की उस साल की आखिरी फिल्म नवंबर को बड़ी स्क्रीन पर दस्तक दी थी हल्क की एक बार फिर से वापसी हो चुकी है सीरीज सी की यह फिल्म कई मायनों में खास है इस बार आपको थार की बहन भी देखने को मिलेगी थार की बहन हेला इस फिल्म में गार्डेस ऑफ के किरदार में है इसी के खिलाफ थार और लेकी साथ दिखाई देंगे फिल्म की कहानी शुरू होती है शटर पर बेड़ियों में जकड़े थार से शटर यूनिवर्स का दूसरा हिस्सा है जहां से थार शटर का मुकुट ले आता है जिसका असली इस्तेमाल फिल्म के आखिर में पता चलता है फिल्म की पूरी कहानी हेला को हरा कर शांति कायम करने के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म में थार का एकमात्र मकसद एच गार्ड को रेगना रॉक से बचाना है इस बार मॉर्बल ने थार के भाई की बजाय उनसे लड़ने के लिए उसकी बहन को चुना है लोकी थार के साथ ही लड़ते नजर आते हैं जैसा कि बताया गया है थार के साथ ही यूनियर्स के इस हिस्से में कई लोग कैद हैं और इन कैदियों का एक भीषण युद्ध करवाना करवाया जाना है इस तरह से मार्बल अपने एक लोकप्रिय किरदार हल्क को थार से इस भीषण लड़ाई में डालकर फिल्म का लुप्त बढ़ा देता है ये फाइटिंग पैसा वसूल है हल्क पहले भी थार के साथ दिख चुके हैं और उनके साथ ही अवेंजर भी थार की यह लड़ाई उन्हें वक्त के साथ लड़ने पर मजबूर करती है क्योंकि थार को अपनी शक्तिशाली बहन हेला से अपनी दुनिया को भी बचाना है हेला फिल्म में गॉडेस ऑफ देट के किरदार में है ऐसे में थार की दुनिया यानी अक्सार्डियन सिविलाइजेशन में उनका आतंक छाया हुआ है वो हर चीज तबाह करने वाली हुई हैं ऐसे में थार उनसे लड़ने तो आते हैं पर जरा ध्यान दें कि महाबली थार कहाँ थोड़ा आपको फिल्म में नहीं दिखेगा ऐसे में थार के फैन थोड़ा निराश हो सकते हैं पर फिर भी उसके भरपाई करने को आपको हल्के के साथ के धांसू सीन भी दिखेंगे रेगना रॉक नार्स नाम की माइथोलॉजी एक टर्म है जो हिंदू धर्म के प्रलय और मुस्लिमों के क्यामत के दिन और ईसाइयों के डूम्स डे की तरह ही हैं पर इसमें खास ये है कि इसमें बस इंसानों का खात्मा नहीं होता देवताओं का भी खात्मा होता है बल्कि कहे तो देवताओं का ही खात्मा होता है जिसमें इंसानों का खुद ब खुद ख़ात्मा हो जाता है इस माइथोलॉजी के किस्से यूरोप के उत्तरी जर्मनी से लेकर सारे नार्वे के तमाम भागों में प्रचलित हैं इस अवधारणा को ही फिल्म का आधार बनाया गया है फिल्म में थार गॉडेस ऑफ देठ से भले ही ब्रह्मांड को छुटकारा दिला पाने में सफल हो जाता है हो पर अपनी बहन हेला के प्रकोप से अपनी दुनिया अक्सार्डियन सिविलाइजेशन को नहीं बचा पाता है और उसकी अपनी दुनिया का अंत हो जाता है पर खुशी की बात यह है कि ये अंत हमेशा के लिए नहीं होता कई बार कुछ ही समय के लिए होता है दरअसल इसे नई शुरुआत का सूत्रपात मान सकते हैं तो आगे की फिल्मों में आपको प्लेनेट वैसा ही फिर से बसा दिख सकता है मार्बल की फिल्मों में ग्राफिक्स और बीफेक्स वगैरह जमकर यूज किया गया है इस मामले में आपको इस फिल्म में भी निराशा हाथ नहीं लगेगी आप इंजॉय करने के लिए फिल्म देखना चाहें तो थ्री में भी यह फिल्म देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता है फिल्म थार के नए दर्शकों के लिए थोड़ी सी उलझी हो सकती है कहा जा रहा था कि डायरेक्टर ताइका वेडिटी ने इसमें ह्यूमर डालने की पूरी कोशिश की है जो कहीं कहीं सफल भी दिखती है पर ऐसा नहीं कि फिल्म आपको हंसाती ही रहे राइटिंग के 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 लिए लिए फिल्म में में उनका नाम नहीं है। है। एक्शन और थिलर फिल्मों की के के फिल्में देखना हमेशा एक ट्रीट जैसा रहा इसी क्रम आपको दांतों तले उंगलियां दबा लेने वाला एक्टर क्रिस् मार्क रफेलो टैम हिंडल केट ब्ले, ब्लेंड टीसा थम्पसन जैफ गोल्डब्लम ब्लम कार्ल आर्बन और एंथनी हॉपसन जैसे बॉलीवुड सितारों से सजी या हॉलीवुड सितारों से सज्जिया फिल्म यूथ तो थॉर के बारे में है लेकिन सुपर हीरो हल के फैंस को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रेलर से लेकर पोस्टर और फिल्म की लीड लाइन तक हल्क का हल्क तक तकरीबन तक हर जगह दिखाने की कोशिश की गई है एडवेंचर से भरपूर यह मार्बल मूवी आपको अब तक रिलीज हुई सभी मार्बल मूवीज से थोड़ा बेहतर लगेगी ऐसा लगता है कि हर मार्बल मूवी में निर्देशक पिछली रिलीज हुई फिल्मों से सीखते जा रहे हैं कहानी की बात करें तो ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर थार खुद को एक जानलेवा हालत में पाता है और यह चीज़ें उसे हल्क से मिलवा देती हैं एवेंजर्स में थार के साथ मिलकर जंग जीत चुका हल्क भी थार के मिशन में उसके साथ हो लेता है और फिर दोनों निकल पड़ते हैं एक ऐसी खोज पर जिसमें वह वक्त का सफर तय करके हेला द्वारा के घर को नष्ट कर देने से रोकना चाहते हैं फिल्म की कहानी और एक्शन आपको कहीं भी बोर नहीं होने देगा और दो घंटे दस मिनट की यह फिल्म आपको फुल एंटरटेनमेंट का पैकेज देगी फिल्म को मिला अब तक ऑडियंस रिव्यू और क्रिकेट रिव्यू पॉजिटिव है गूगल पर चौरानवे लोगों ने फिल्म को पसंद किया और इसे थार की अब तक की सभी फिल्मों से ज्यादा बेहतर बताया है एम यानी मार्बल सिनेमेटिक यूनिवर्स के अंतर्गत आने वाली सुपर हीरोज़ की फिल्म सीरीज दुनिया की सबसे सफलतम फिल्म सीरीज़ है जिसकी हर फिल्म में शामिल सुपर हीरोज़ मेल हो या फीमेल सभी का कैरेक्टर एक से बढ़कर एक है इसकी शुरुआत हुई थी साल 2008 में आई फिल्म आयरन मैन से निर्माताओं ने इस सीरीज़ के तेईस फिल्मों से में सभी सुपरहीरोज को एक बेहतरीन कहानी देकर एक कड़ी में जोड़ा है इस सीरीज की हर एक फिल्म में कुछ रोचक बातें हैं और हम इस आज की वीडियो में इससे जुड़े कुछ अनजाने तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे अगर आप मार्बल के प्रशंसक हैं तो आपको पता होगा कि इसके फिल्मों की श्रृंखला कितनी अद्भुत है इसके हर फिल्म में हर एक सुपर हीरो की अपनी कहानी है जिन्हें तेरह वर्षों में बनाया गया है और एक एक कर दर्शकों के बीच लाया गया है अंत में सभी फिल्मों को एक कड़ी में जोड़कर एक फिल्म एवेंजर्स एंडगेम से निष्कर्ष निकाला गया है फिल्मों की इस श्रृंखला में जितने भी सुपर हीरो शामिल हैं उन्हें ही एवेंजर्स नाम दिया गया है उन्हीं एवेंजर्स से जुड़ी फिल्म के दृश्यों या रिलीजिंग या शूटिंग के दौरान कुछ रोचक और अजनबी बातें हैं जिन्हें हम आज आपके साथ साझा करेंगे मार्बल कॉमिक के महान लेखक स्टैनली ने भूतकाल में अपने कई संघर्षों के बाद आयरन मैन को लॉन्च करने में सफलता पाई थी आयरन मैन जो की बाद में इस फिल्म रिलीज का सबसे स्मार्ट और दर्शकों का सबसे चहता सुपर हीरो बनकर उभरा इससे पहले पिछले कई दशकों में आयरन मैन और अन्य सुपर हीरोज़ पर कई फिल्में व सीरीज बन चुकी थी लेकिन इस डरमैन की फिल्म सीरीज के अलावा सभी फिल्मों को दर्शकों द्वारा नकारा जा चुका था पहली सफलतम फिल्म जिसने बिलियन में कदम रखा द एवेंजर्स मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म थी जिसने दुनिया भर के सिनेमाघरों में एक बिलियन डॉलर से भी अधिक कमाई की थी यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने सुपर हीरो फिल्मों को एक नया आयाम दिया था फिल्म की कहानी एक्शन सीन बी एफ और कई सुपर हीरोज़ को एक साथ जुड़ना दर्शकों के लिए काफ़ी नया और रोमांचकारी साबित हुआ और इसे खूब पसंद किया गया था मार्बल ने द एवेंजर्स में किया था रियल सुपर हीरो का उपयोग जी हाँ द एवेंजर्स फिल्म में असली सुपर हीरो का इस्तेमाल किया गया था लेकिन वे कोई बिजली आग या काल्पनिक शक्ति पैदा करने वाले नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया के बहादुर पुलिसकर्मी थे फिल्म के एक दृश्य में जब न्यूयॉर्क शहर में एवेंजर्स का सामना उनके दुश्मनों से होता है तब निर्देशकों ने उनकी मदद करने के लिए ओहियो राज्य से तीन सौ इक्यानबे सैन्य पुलिस वर्ल्ड बटालियन के वास्तविक सदस्यों को शामिल किया था हा कैरेक्टर की गंभीरता मार्बल के अंतर्गत हाकाई एजेंट क्लिंट बार्टन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता जेरेमी रेनर ने इस कैरेक्टर को बहुत गंभीरता से लिया उन्होंने स्पष्ट रूप से तीरंदाजी सीखी थी इसलिए उनके अभिनय में खलनायकों पर चलने वाला तीर किसी पेशेवर से कम नहीं लगा हल्क के चरित्र के लिए पहली पसंद था कोई और वो चित्र दो हज़ार में आई फिल्म द इनक्रेडिबल हल्क में ब्रूस बैनर द हल्क की भूमिका एडवर्ड नाटन ने निभाई थी जिन उनकी इसी प्रसिद्धि के कारण वह मार्बल के पहली पसंद थे वही बात करें द इनक्रेडिबल हल्क के निर्देशक लुई लेट्रियल के अनुसार तो हल्क के किरदार में अभिनेता मार्क रफेलो ही बहुत पहले से फिट आते थे और बाद में चलकर ऐसा ही हुआ ब्रूस बैनर हल्क की भूमिका में द एवेंजर्स और आगे की फिल्म के लिए मार्क ने नार्टन को रिप्लेस किया देखा जाए तो हल्क की भूमिका में मार्क ने एक अलग ही छाप छोड़ी है हल्क की भूमिका के लिए मार्क को मिली हॉलीवुड के सुपरस्टार आर डी जैसे प्रोत्साहना साल 2012 में जब द एवेंजर्स में ब्रूस बैनर द हल्क की भूमिका निभाने के लिए मार्क रफेलो को चुना गया तब वह एक सुपर हीरो के रूप में किसी बड़ी बजट की फिल्म में अभिनय करने के लिए असहज महसूस कर रहे थे उस समय हॉलीवुड के सुपरस्टार आर डी जे यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने उन्हें अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित किया चूँकि वह मार्क के सबसे अच्छे दोस्त थे और खुद ही सुपर हीरो आयरन मैन की भूमिका निभा रहे थे आयरन ने अपने दोस्त के लिए लिखा था कि रोफेलो लेट्स गो लेट्स डू दिस स्पाइडरमैन मैन के नाम में हाइफन का उपयोग राइटर स्टैनली ने स्पाइडरमैन मैन के नाम में हाइफोन लगाया ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि और क्योंकि सुपरमैन और स्पाइडरमैन दोनों ही एक जैसे नाम बन जाते हैं जो पहली बार तेज़ नज़र में पढ़ने पर दर्शकों के लिए संशय पैदा कर सकते हैं जर्मनी के कुछ छोटे थिएटर्स में हुआ था एवंजर्स राज आप और का विरोध साल 2014 में जब फिल्म एवंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन दुनिया भर में रिलीज हुई तब जर्मनी के कुछ शहरों में थिएटर्स में इसका विरोध हुआ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि डिजनी बॉक्स ऑफिस पर टिकटों की बिक्री का तिरपन प्रतिशत मुनाफा चाहता था जो कि पारंपरिक और फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन प्रतिशत की तुलना में अधिक था हालांकि यह संख्या में बहुत बड़ा अंतर नहीं लग स लग सकता लेकिन जर्मनी के कुछ छोटे थिएटर्स के लिए कमाई में एक बड़ा अंतर जरूर था इसलिए उस समय उन्होंने इस फिल्म को स्क्रीन नहीं दिया बोर होने से बचने के लिए सितारों ने खेला बोगल फिल्म की शूटिंग के समय लगता है जैसे कि किसी दृश्य को दिखाने के लिए सेट व लाइटिंग में समय आयोजन करना और उसके बाद दूसरे दृश्य के लिए दूसरा सेट व लाइटिंग ऐसे में एवेंजर्स के सितारों को देर तक नए शॉट के लिए इंतजार करना पड़ता था इस दौरान कैप्टन का, का, अमेरिका स्टीव राज की भूमिका निभाने वाले अभिनेता क्रिस इवांस ने बताया कि उन्होंने खुद को उबने से रोकने के लिए और भी अन्य कलाकारों जो कि उनके दोस्त भी थे के साथ बोगल गेम खूब खेला है द एवेंजर्स फिल्म को अंतरिक्ष में दिखाया गया अंतरिक्ष जहां कई सितारे चमकते हैं वही कुछ चुनिंदा दर्शकों ने द एवेंजर्स की स्क्रीनिंग के दौरान धरती के सितारों को देखा और वे दर्शक थे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ह्यूस्टन में नासा के मिशन कंट्रोल में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को द अवेंजर्स फिल्म की एक डिजिटल प्रति भेजी उस समय आई एस में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को इस फिल्म को देखने का दुर्लभ अवसर मिला था बताते चले कि द एवेंजर्स फिल्म के कुछ को नासा में भी फिल्माया गया था और शायद यही कारण था कि इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भी दिखाया गया है। स्कॉटलेस बीच और क्विक सिल्वर की उत्पत्ति को बदला गया था। कॉमिक किताबों में स्कॉटलेस चा और क्लिक सिल्वर ने एक्स मैन के कैरेक्टर मैग्नो को उनकी खलनायकी में सहायता की थी लेकिन फिल्म स्टूडियो के कुछ अधिकारों के कारण एक्समैन अन्य मार्बल संस्थाओं से अलग हो गए इस कारण से एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के निर्माता टीम ने वाडा मैक्सम वाडला मैक्सिमम और स्कॉटलेज और पियथ्रो मैक्समाप क्विक सिल्वर को एक अलग मूल कहानी दी थी इस फिल्म में वाडा स्काटल एस की भूमिका में एलिजाबेथ ओलिसन और पियथ्रो क्विक सिल्वर की भूमिका में आरोन टेलर जॉनसन नजर आए हैं कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के दौरान क्रिस हुए थे चोटिल फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के सह निर्देशक जो रूसो ने बताया था कि फिल्म का सबसे शक्तिशाली शॉट था स्टीव राजर्स का अपने हाथों से एक हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से रोकना इस शॉट को फिल्म के पहले टीजर ट्रेलर में भी दिखाया गया था इस सीन को शूट करने से पहले क्रिस इवांस ने शारीरिक शारीरिक रूप से चरित्र को वास्तविक रूप देने के लिए जिम में बहुत मेहनत की थी बाद में फिल्म का यह दृश्य काफी शानदार साबित हुआ था लेकिन क्रिस ने शूटिंग के समय इसे फिल्माते हुए अपनी बाहर में मांसपेशियों को घायल कर लिया था ब्लैक पैंथर का नाम बाद में चुना गया मार्बल ने ब्लैक पैंथर का नाम सबसे पहले ब्लैक लेपट रखना चाहता था लेकिन इसका संदर्भ एक राजनीतिक पार्टी से होने के कारण यह नाम बदल दिया गया एमसीयू के अंतर्गत ब्लैक पंथर की भूमिका निभाने वाले अभिनेता बोजमैन की साल दो में कैंसर के कारण मृत्यु हो चुकी है इसलिए निर्माताओं ने ब्लैक पंथर को एक नया रूप दिया जिसे फिल्म ब्लैक पेंथर के सुकल ब्लैक पेंथर वकंडा फॉरवर में देखा जा सकेगा जो कि 11 नवंबर दो को रिलीज हो रही है एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में एक पुराने बिलन की वापसी कैप्टन अमेरिका द फास्टर एवेंजर्स में मुख्य बिलन रेड स्कॉल को आखिरी बार इसी फिल्म में देखा गया था और इसकी उपस्थिति तब तक एक रहस्य बन बन रही जब तक कि बनी रही जब तक कि इसे सिनेमाघरों में फिल्म एवेंजर्स इन्फेंटीवार में नहीं दिखाया गया था एवंजेस इन्फेंटिवार यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हॉलीवुड मूवी ट्रेलर यूट्यूब पर लॉन्च होने वाली फिल्म के ट्रेलर में एवंजस इन्फेंटिवार का ट्रेलर सबसे लोकप्रिय ट्रेलर बना हुआ है यूट्यूब पर अब तक इससे दो मिलियन से भी अधिक बार देखा जा चुका है स्क्रिप्ट में न होते हुए भी स्क्रिप्ट में ना होते हुए भी एक डायलॉग बन गया मजाकिया फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में एक दृश्य के दौरान टाइटन ग्रह पर कुछ सुपर हीरोज आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं जिसमें आयरन मैन स्टार लॉर्ड और ड्रैक्स भी शामिल हैं उसी दौरान तीनों में एक संवाद होता है जिसमें स्टार लॉर्ड पूछता है कि गमोरा कहाँ है इस पर आयरन मैन कहता है कौन है गमोरा मजे की बात तब होती है जब ड्रैक्स कहता है कि क्यों है गमोरा एक खुलासे में पता चलता है कि ड्रैक्स का डायलॉग तो फिल्म के स्क्रिप्ट में था ही नहीं लेकिन ड्रैक्स ने इस अंदाज ने दृश्यों को और भी मजाकिया बना दिया जिस कारण निर्माताओं ने इसे फिल्म में शामिल कर लिया था एवेंजर्स एंडगेम बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड में एक अरब डॉलर की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी दुनिया भर में एवेंजर्स के प्रशंसकों की भारी संख्या के चलते एवेंजर्स फ्रेंचाइजी के अंतर्गत तीन फिल्मों ने अलग अलग एक अरब डॉलर से भी अधिक कमाई की थी जो कि किसी मील के पत्थर से कम नहीं थी लेकिन जब फिल्म के चौथे सुकल एवेंजर्स एंडगेम को लॉन्च किया गया तब इस फिल्म ने महज पाँच दिनों के भीतर एंडगेम ने वन अरब डॉलर की कमाई कर ली थी आज एंडगेम दुनिया भर की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है जो कि जेम्स कैमरन के अवतार फिल्म के बाद आती है इसके साथ ही एंड गेम मार्बल की सबसे लंबी फिल्म है जिसकी रनिंग टाइम एक मिनट है एवांजलिन लिली और पाल रड ने एक साथ की मार्बल के दो फिल्मों की शूटिंग मार्बल का रिलीज शेड्यूल विस्तृत है जिसमें कई बार एक ही समय के कई प्रोजेक्ट्स को फिल्माना पड़ता है इसलिए कई मुख्य पात्रों को स्टोरी लाइन जोड़ते हुए सभी फिल्मों के बीच निरंतरता बनाए रखना पड़ता है चूंकि फिल्म एंट मैन एंड द वास्प और एवेंजर्स इंड गेम रिलीज होने के लिए एक ही लाइन अप में थे इसलिए दोनों फिल्मों की शूटिंग एक ही समय में होना स्वाभाविक था इस बीच फिल्म के दो सुपर हीरो कैरेक्टर एंटमैन और द वास्ट की भूमिका निभाने वाले कलाकारों एवांजलिन लिली और पालरट को अक्सर दोनों फिल्मों की शूटिंग के लिए उपस्थित रहना पड़ता था जो कि उनके लिए वाकई में सबसे बेस्ट दौर था मार्बल सीरीज की मोस्ट अवॉन्टेड फिल्म थार रैगना रॉक रिलीज हो गई थी ताइका वेटिस द्वारा निर्देशित फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज की नई एंट्री हुई है कहानी फिल्म की कहानी की शुरुआत ओडिन के बेटे थॉर यानी क्रिस हेमर्स से होती है जो अपने पुराने दुश्मन शरतुर को ख़त्म करके अपने घर लौटता है लेकिन वह उसके पिता ओडिन नहीं होते हैं लोकी अपने पिता का रूप धारण करके अक्षाड़ पर शासन कर रहा है और अपने पिता ओडिन को धरती पर छोड़ दिया गया है लोगों के सामने लोकी का राज खोलने के बाद थार लोकी के साथ पिला पिता की तलाश में निकलता है पिता को ढूंढने में थार की मदद डॉक्टर स्ट्रेंज करते हैं जो जानता है कि ओडिन कहाँ है अपने अंतिम पलों में दोनों बेटों को देखकर ओडिन अपने जीवन के एक बड़े राज से पर्दा उठाते हैं यह बताते हैं कि उनकी पहली संतान गार्ड आपडेट हेला है जो बेहद क्रूर व ताकतवर है और जिसे उन्होंने बरसों पहले बंधक बनाकर जेल में रखा है लेकिन अब वह आज़ाद हो गई है हेला रगना रोग को हासिल करना चाहती है ताकि वह पूरी दुनिया और अक्साड़ को ख़त्म कर सके हेला के सामने थार काफ़ी कमजोर है हेला की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस पर थार का ताकतवर हथौड़ा भी काम नहीं करता हेला उसे किसी बच्चे के खिलौने की तरह चूर चूर कर देती है लेकिन क्या थार हेला से अक्साट को बचा पाएगा और क्या ताकतवर हल्क इस लड़ाई में थार का साथ देगा क्या बिना हथौड़े के थार शक्तिशाली हेला से जीत पाएगा इन सब सवालों के जवाब आपको इसी फिल्म में आगे मिल हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है कि मार्बल सीरीज की फिल्मों की की फिल्मों तरह इस फिल्म की कहानी भी बे बेहद रोचक और मजेदार है ताइका वैटिटी द्वारा निर्देशित फिल्म की सिनेमाटोग्राफी जबरदस्त है लेकिन फिल्म में अपने पिछली फिल्मों की तुलना में एक्शन सीन की कमी नजर आई जो इससे थोड़ी कमजोर बनाती है क्रिस हेम्सूअर्थ थार और मार्क रफेलो यानी कि हल्क थार के तीसरे भाग में जबरदस्त एक, एक्टिंग की है बीच बीच में दोनों के बीच नोकझोंक लोगों को रोमांचित करने के साथ साथ हंसाती भी है वही फिल्म में गार्डसन ऑफ डेडकेटकेट ब्लैंकेट यानी हेला ने थार को अपनी दमदार एक्टिंग से कड़ी टक्कर दी है इस फिल्म को आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं दमदार एक्शन से भरपूर इस फिल्म के कुछ डायलॉग्स को ठहाके लगाने पर मजबूर कर देंगे फिल्म का थ्री इफेक्ट और इस इसे और भी बेहतरीन बनाता है आइए जानते हैं इससे पहले मॉर्बल की मूवीज के बारे में थार जो कि दो में आई थी थार एमसी में चौथी फिल्म है और इसमें क्रिस हेमर्थ को लीड रोल में नताली पोर्टमैन ने जॉन फोस्टर और टॉम हिडल को लोकी के रूप में दिखाया गया है यह एम के पार्ट वन का हिस्सा है और न केवल थार बल्कि दूसरी मार्बल फिल्मों की कहानी को भी सेट करता है फिल्म में थार को अक्सार्ड से पृथ्वी पर भेज दिया गया है उसकी शक्तियों और उसके हथौड़ा हाँ मजोलर को छीन लिया जाता है पृथ्वी पर वह जेन फोस्टर से मिलता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है इस बीच उसके भाई लोकी ने अक, अक्साडियन सिंहासन लेने की साजिश रची थार एंड थंडर देखने का प्लान बना रहे लोगों को यह पहली थार फिल्म जरूर देखनी चाहिए आप डिजनी प्लस हाथ स्टार पर फिल्म को देख सकते हैं थार द डार्क वर्ल्ड दो में रिलीज हुई सीरीज का अगला पार्ट है और एम में आठवीं फिल्म है क्रिस हेमोर्थ नताली पोर्टमैन और टॉम एडलसन ने पिछली फिल्म में अपने रोल को दोहराया था यह एम के फेज टू का हिस्सा है और द एवेंजर्स के बाद रिलीज हुई थी इस फिल्म में जेन की एम में अंतिम प्रोसेस है अब तो अब वह थार लव एंड थंडर में नजर आई थी अब डिजनी प्लस हॉट स्टार पर फिल्म को स्ट्रीम कर सकते हैं गॉडियंस ऑफ़ द गैलेक्सी 2014 हज़ार चौदह भले ही थार गॉडियंस ऑफ द गैलेक्सी फिल्म में नहीं है लेकिन इस फिल्म के कई कैरेक्टर थार लब एंडर में अभिनय करेंगे फिल्म में क्रिस प्रैंड सलदाना डेव बस्तिता बिन डीजल और ब्रेडली कपूर ने अभिनय किया है यह फिल्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर उपलब्ध है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम टू दो हजार सत्रह पॉम क्लेविटम की निभाई गई मंटिस इस फिल्म में पेरेंट्स के साथ जुड़ती है वह थार लव एंड थंडर में भी नज़र आएंगी इस फिल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप देख सकते हैं थार रगना रोक दो थार रगना रोक का निर्देशन ताइका वेट्टी ने किया है जो थार लव एंड थंडर के निर्देशक भी हैं फिल्म ने वल्किरी टेसा थाम्सन कार्क वेटिटी और ग्रैंड मास्टर जेफ गोल्डब्लम को दिखाया गया है और ये कैरेक्टर थार की नई फिल्म में भी दिखाई देंगे एवेंजर्स इन्फिनिटी वार 2018 एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में थार ने पहली बार पेरेंट्स के साथ टीम बनाई फिल्म में एवेंजर्स एंड द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने थेनेस को दिखाया गया थेनेस ने ब्रह्मांड में सभी के जीवन के

थार राग तीन नवंबर को बड़ी स्क्रीन पर दस्तक दी थी हल्क की एक बार फिर से वापसी हो चुकी है थार सीरीज सी की यह फिल्म कई मायनों में खास है इस बार आपको थार की बहन भी देखने को मिलेगी थार की बहन हेला इस फिल्म में गार्डेस ऑफ दिट के किरदार में है इसी के खिलाफ थार और लेकी साथ दिखाई देंगे फिल्म की कहानी शुरू होती है शटर पर बेड़ियों में जकड़े थार से शटर यूनिवर्स का दूसरा हिस्सा है जहां से थार शटर का मुकुट ले आता है जिसका असली इस्तेमाल फिल्म के आखिर में पता चलता है फिल्म की पूरी कहानी हेला को हरा कर शांति कायम करने के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म में थार का एकमात्र मकसद एच गार्ड को रेगना रॉक से बचाना है इस बार मार्बल ने थार के भाई की बजाय उनसे लड़ने के लिए उसकी बहन को चुना है लोकी थार के साथ ही लड़ते नजर आते हैं जैसा कि बताया गया है थार के साथ ही यूनियर्स के इस हिस्से में कई लोग कैद हैं और इन कैदियों का एक भीषण युद्ध करवाना करवाया जाना है इस तरह से मार्बल अपने एक लोकप्रिय किरदार हल्क को थार से इस भीषण लड़ाई में डालकर फिल्म का लुप्त बढ़ा देता है ये फाइटिंग पैसा वसूल है हल्क पहले भी थार के साथ दिख चुके हैं और उनके साथ ही अवेंजर भी थार की यह लड़ाई उन्हें वक्त के साथ लड़ने पर मजबूर करती है क्योंकि थार को अपनी शक्तिशाली बहन हेला से अपनी दुनिया को भी बचाना है हेला फिल्म में गॉडेस ऑफ देट के किरदार में है ऐसे में थार की दुनिया यानी अक्सार्डियन सिविलाइजेशन में उनका आतंक छाया हुआ है वो हर चीज़ तबाह करने वाली तुली हुई हैं। ऐसे में थार उनसे लड़ने तो आते हैं पर जरा ध्यान दें कि महाबली थार कहाँ थोड़ा आपको फिल्म में नहीं दिखेगा ऐसे में थार के फैन थोड़ा निराश हो सकते हैं पर फिर भी उसकी भरपाई करने को आपको हल्क के साथ के धांसु सीन भी दिखेंगे रेगना रॉक नार्स नाम की माइथोलॉजी एक टर्म है जो हिंदू धर्म के प्रलय और मुस्लिमों के क्यामत के दिन और ईसाइयों के डे की तरह ही हैं पर इसमें खास ये है कि इसमें बस इंसानों का खात्मा नहीं होता देवताओं का भी खात्मा होता है बल्कि कहे तो देवताओं का ही खात्मा होता है जिसमें इंसानों का खुद ब खुद ख़ात्मा हो जाता है इस माइथोलॉजी के किस्से यूरोप के उत्तरी जर्मनी से लेकर सारे नार्वे के तमाम भागों में प्रचलित हैं इस अवधारणा को ही फिल्म का आधार बनाया गया है फिल्म में थार गॉडेस ऑफ देठ से भले ही ब्रह्मांड को छुटकारा दिला पाने में सफल हो जाता है हो पर अपनी बहन हेला के प्रकोप से अपनी दुनिया अक्सार्डियन सिविलाइजेशन को नहीं बचा पाता है और उसकी अपनी दुनिया का अंत हो जाता है पर खुशी की बात यह है कि ये अंत हमेशा के लिए नहीं होता कई बार कुछ ही समय के लिए होता है दरअसल इसे नई शुरुआत का सूत्रपात मान सकते हैं तो आगे की फिल्मों में आपको प्लेनेट वैसा ही फिर से बसा दिख सकता है मार्बल की फिल्मों में ग्राफिक्स और बीफेक्स वगैरह जमकर यूज किया गया है इस मामले में आपको इस फिल्म में भी निराशा हाथ नहीं लगेगी आप इंजॉय करने के लिए फिल्म देखना चाहें तो थ्री में भी यह फिल्म देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता है फिल्म थार के नए दर्शकों के लिए थोड़ी सी उलझी हो सकती है कहा जा रहा था कि डायरेक्टर ताइका वेडिटी ने इसमें ह्यूमर डालने की पूरी कोशिश की है जो कहीं कहीं सफल भी दिखती है पर ऐसा नहीं कि फिल्म आपको हंसाती ही रहे

एंथनी हॉपसन जैसे बॉलीवुड सितारों से सजी या हॉलीवुड सितारों से सज्जिया फिल्म यूथ तो थॉर के बारे में है लेकिन सुपर हीरो हल के फैंस को भी निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रेलर से लेकर पोस्टर और फिल्म की लीड लाइन तक हल्क का हल्क तक तकरीबन तक 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 हर जगह दिखाने की कोशिश की गई है एडवेंचर से भरपूर यह मार्बल मूवी आपको अब तक रिलीज हुई सभी मार्बल मूवीज से थोड़ा बेहतर लगेगी ऐसा लगता है कि हर मार्बल मूवी में निर्देशक पिछली रिलीज हुई फिल्मों से सीखते जा रहे हैं की बात करें तो ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर थार खुद को एक जानलेवा हालत में पाता है और यह चीज़ें उसे हल्क से मिलवा देती हैं एवेंजर्स में थार के साथ मिलकर जंग जीत चुका हल्क भी थार के मिशन में उसके साथ हो लेता है और फिर दोनों निकल पड़ते हैं एक ऐसी खोज पर जिसमें वह वक्त का सफर तय करके हेला द्वारा थार के घर को नष्ट कर देने से रोकना चाहते हैं फिल्म की कहानी और एक्शन आपको कहीं भी बोर नहीं होने देगा और दो घंटे दस मिनट की यह फिल्म आपको फुल इंटरटेन

इसकी शुरुआत हुई थी साल 2008 में आई फिल्म आयरन मैन से निर्माताओं ने इस सीरीज़ के तेईस फिल्मों से में सभी सुपर हीरोज को एक बेहतरीन कहानी देकर एक कड़ी में जोड़ा है इस सीरीज की हर एक फिल्म में कुछ रोचक बातें हैं और हम इस आज की वीडियो में इससे जुड़े कुछ अनजाने तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे अगर आप मार्बल के प्रशंसक हैं तो आपको पता होगा कि इसके फिल्मों की श्रृंखला कितनी अद्भुत है इसके हर फिल्म में हर एक सुपर हीरो की अपनी कहानी है जिन्हें तेरह वर्षों में बनाया गया है और एक एक कर दर्शकों के बीच लाया गया है अंत में सभी फिल्मों को एक कड़ी में जोड़ कर कर एक फिल्म एवेंजर्स एंडगेम से निष्कर्ष निकाला गया है फिल्मों की इस श्रृंखला में जितने भी सुपरहीरो शामिल हैं उन्हें ही एवेंजर्स नाम दिया गया है उन्हीं एवेंजर्स से जुड़ी फिल्म के दृश्यों या रिलीजिंग या शूटिंग के दौरान कुछ रोचक और अजनबी बातें हैं जिन्हें हम आज आपके साथ साझा करेंगे मार्बल कॉमिक के महान लेखक स्टैनली ने भूतकाल में अपने कई संघर्षों के बाद आयरन मैन को लॉन्च करने में सफलता पाई थी आयरन मैन जो की बाद में इस फिल्म रिलीज का सबसे स्मार्ट और दर्शकों का सबसे चहता सुपर हीरो बनकर उभरा इससे पहले पिछले कई दशकों में आयरन मैन और अन्य सुपर हीरोज़ पर कई फिल्में व सीरीज बन चुकी थी लेकिन इस डरमैन की फिल्म सीरीज के अलावा सभी फिल्मों को दर्शकों द्वारा नकारा जा चुका था पहली सफलतम फिल्म जिसने बिलियन में कदम रखा द एवेंजर्स मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म थी जिसने दुनिया भर के सिनेमाघरों में एक बिलियन डॉलर से भी अधिक कमाई की थी यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने सुपर हीरो फिल्मों को एक नया आयाम दिया था फिल्म की कहानी एक्शन सीन बी एफ और कई सुपर हीरोज़ को एक साथ जुड़ना दर्शकों के लिए काफ़ी नया और रोमांचकारी साबित हुआ और इसे खूब पसंद किया गया था मार्बल ने द एवेंजर्स में किया था रियल सुपर हीरो का उपयोग जी हाँ द एवेंजर्स फिल्म में असली सुपर हीरो का इस्तेमाल किया गया था लेकिन वे कोई बिजली आग या काल्पनिक शक्ति पैदा करने वाले नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया के बहादुर पुलिसकर्मी थे फिल्म के एक दृश्य में जब न्यूयॉर्क शहर में एवेंजर्स का सामना उनके दुश्मनों से होता है तब निर्देशकों ने उनकी मदद करने के लिए ओहियो राज्य से तीन सौ इक्यानबे सैन्य पुलिस वर्ल्ड बटालियन के वास्तविक सदस्यों को शामिल किया था हा कैरेक्टर की गंभीरता मार्बल के अंतर्गत हाकाई एजेंट क्लिंट वार्टन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता जेरेमी रेनर ने इस कैरेक्टर को बहुत गंभीरता से लिया उन्होंने स्पष्ट रूप से तीरंदाजी सीखी थी इसलिए उनके अभिनय में खलनायकों पर चलने वाला तीर किसी पेशेवर से कम नहीं लगा हल्क के चरित्र के लिए पहली पसंद था कोई और वो चित्र दो हज़ार में आई फिल्म द इनक्रेडिबल हल्क में ब्रूस बैनर द हल्क की भूमिका एडवर्ड नाटन ने निभाई थी जिन उनकी इसी प्रसिद्धि के कारण वह मार्बल के पहली पसंद थे वही बात करें द इनक्रेडिबल हल्क के निर्देशक लुई लेट्रियल के अनुसार तो हल्क के किरदार में अभिनेता मार्क रफेलो ही बहुत पहले से फिट आते थे और बाद में चलकर ऐसा ही हुआ ब्रूस बैनर हल्क की भूमिका में द एवेंजर्स और आगे की फिल्म के लिए मार्क ने नार्टन को रिप्लेस किया देखा जाए तो हल्क की भूमिका में मार्क ने एक अलग ही छाप छोड़ी है हल्क की भूमिका के लिए मार्क को मिली हॉलीवुड के सुपरस्टार आर डी जे से प्रोत्साहना साल 2012 में जब द एवेंजर्स में ब्रूस बैनर द हल्क की भूमिका निभाने के लिए मार्क रफेलो को चुना गया तब वह एक सुपर हीरो के रूप में किसी बड़ी बजट की फिल्म में अभिनय करने के लिए असहज महसूस कर रहे थे उस समय हॉलीवुड के सुपरस्टार आर डी जे यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने उन्हें अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित किया चूँकि वह मार्क के सबसे अच्छे दोस्त थे और खुद ही सुपर हीरो आयरन मैन की भूमिका निभा रहे थे आयरन ने अपने दोस्त के लिए लिखा था कि रोफेलो लेट्स गो स्पाइडरमैन के नाम में हाइफन का उपयोग राइटर स्टैनली ने स्पाइडर मैन के नाम में हाइफोन लगाया ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि और क्योंकि सुपरमैन और स्पाइडरमैन दोनों ही एक जैसे नाम बन जाते हैं जो पहली बार तेज नज़र में पढ़ने पर दर्शकों के लिए संशय पैदा कर सकते हैं जर्मनी के कुछ छोटे थिएटर्स में हुआ था एवंजर्स राज आप और का विरोध साल 2014 में जब फिल्म एवंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन दुनिया भर में रिलीज हुई तब जर्मनी के कुछ शहरों में थिएटर्स में इसका विरोध हुआ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि डिजनी बॉक्स ऑफिस पर टिकटों की बिक्री का तिरपन प्रतिशत मुनाफा चाहता था जो कि पारंपरिक और फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन प्रतिशत की तुलना में अधिक था हालांकि यह संख्या में बहुत बड़ा अंतर नहीं लग स सक, लग सकता लेकिन जर्मनी के कुछ छोटे थिएटर्स के लिए कमाई में एक बड़ा अंतर जरूर था इसलिए उस समय उन्होंने इस फिल्म को स्क्रीन नहीं दिया बोर होने से बचने के लिए सितारों ने खेला बोगल फिल्म की शूटिंग के समय लगता है जैसे कि किसी दृश्य को दिखाने के लिए सेट व लाइटिंग में समय आयोजन करना और उसके बाद दूसरे दृश्य के लिए दूसरा सेट व लाइटिंग ऐसे में एवेंजर्स के सितारों को देर तक नए शॉट के लिए इंतजार करना पड़ता था इस दौरान कैप्टन का, का, अमेरिका स्टीव राज की भूमिका निभाने वाले अभिनेता क्रिस इवांस ने बताया कि उन्होंने खुद को उबने से रोकने के लिए और भी अन्य कलाकारों जो कि उनके दोस्त भी थे के साथ बोगल गेम खूब खेला है द एवेंजर्स फिल्म को अंतरिक्ष में दिखाया गया अंतरिक्ष जहां कई सितारे चमकते हैं वही कुछ चुनिंदा दर्शकों ने द एवेंजर्स की स्क्रीनिंग के दौरान धरती के सितारों को देखा और वे दर्शक थे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ह्यूस्टन में नासा के मिशन कंट्रोल में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को द एवेंजर्स फिल्म की एक डिजिटल प्रति भेजी उस समय आई एस में, में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को इस फिल्म को देखने का दुर्लभ अवसर मिला था बताते चले कि द एवेंजर्स फिल्म के कुछ हिस्सों को नासा में भी फिल्माया गया था और शायद यही कारण था कि इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भी दिखाया गया है स्कॉटलेस बिज और क्विक सिल्वर की उत्पत्ति को बदला गया था कॉमिक किताबों में स्कॉटलेस चा और क्लिक सिल्वर ने एक्समैन के कैरेक्टर मैग्नो को उनकी खलनायकी में सहायता की थी लेकिन फिल्म स्टूडियो के कुछ अधिकारों के कारण एक्समैन अन्य मार्बल संस्थाओं से अलग हो गए इस कारण से एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के निर्माता टीम ने वाडा मैक्सिमम, वाडला मैक्सिमम और स्कॉटलेस और पियथ्रो मैक्समॉफ क्विक सिल्वर को एक अलग मूल कहानी दी थी इस फिल्म इस में वाडा स्काटल एस की भूमिका में एलिजाबेथ ओलिसन और पियथ्रो क्विक सिल्वर की भूमिका में आरोन टेलर जॉनसन नजर आए हैं कैप्टन अमेरिका सिविल वार के दौरान क्रिस हुए थे चोटिल फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वार के सह निर्देशक जो रूसो ने बताया था कि फिल्म का सबसे शक्तिशाली शॉट था स्टीव राजर्स का अपने हाथों से एक हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से रोकना इस शॉट को फिल्म के पहले टीजर ट्रेलर में भी दिखाया गया था इस सीन को शूट करने से पहले क्रिस इवांस ने शारीरिक सारे शारीरिक सारे रूप से चरित्र को वास्तविक रूप देने के लिए जिम में बहुत मेहनत की थी बाद में फिल्म का यह दृश्य काफ़ी शानदार साबित हुआ था लेकिन क्रिस ने शूटिंग के समय इसे फिल्माते हुए अपनी बाँह में मांसपेशियों को घायल कर लिया था ब्लैक पेंथर का नाम बाद में चुना गया मार्बल ने ब्लैक पेंथर का नाम सबसे पहले ब्लैक Black... लेपट रखना चाहता था लेकिन इसका संदर्भ एक राजनीतिक पार्टी से होने के कारण यह नाम बदल दिया गया एमसीयू के अंतर्गत ब्लैक पंथर की भूमिका निभाने वाले अभिनेता बोजमैन की साल दो में कैंसर के कारण मृत्यु हो चुकी है इसलिए निर्माताओं ने ब्लैक पंथर को एक नया रूप दिया जिसे फिल्म ब्लैक पेंथर के सुकल ब्लैक पेंथर वकंडा फॉरवर में देखा जा सकेगा जो कि 11 नवंबर 2022 को रिलीज हो रही है एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में एक पुराने बिलन की वापसी कैप्टन अमेरिका द फास्टर एवेंजर्स में मुख्य बिलन रेड स्कॉल को आखिरी बार इसी फिल्म में देखा गया था और इसकी उपस्थिति तब तक एक रहस्य बन बनी रही जब तक कि इसे सिनेमाघरों में फिल्म एवेंजर्स इन्फेंटिवार में नहीं दिखाया गया था एवेंजर्स इन्फेंटिवार यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हॉलीवुड मूवी ट्रेलर यूट्यूब पर लॉन्च होने वाली फिल्म के ट्रेलर में एवेंजर्स इन्फेंटिवार का ट्रेलर सबसे लोकप्रिय ट्रेलर बना हुआ है यूट्यूब पर अब तक इससे दो मिलियन से भी अधिक देखा जा चुका है स्क्रिप्ट में ना होते हुए भी स्क्रिप्ट में ना होते हुए भी एक डायलॉग बन गया मजाक किया फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में एक दृश्य के दौरान टाइटन ग्रह पर कुछ सुपर हीरोज आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं जिसमें आयरन मैन स्टार लॉर्ड और ड्रैक्स भी शामिल हैं उसी दौरान तीनों में एक संवाद होता है जिसमें स्टार लॉर्ड पूछता है कि गमोरा कहाँ है इस पर आयरन मैन कहता है कौन है गमोरा मजे की बात तब होती है जब ड्रैक्स कहता है कि क्यों है गमोरा एक खुलासे में पता चलता है कि ड्रैक्स का डायलॉग तो फिल्म के स्क्रिप्ट में था ही नहीं लेकिन ड्रैक्स ने इस अंदाज ने दृश्यों को और भी मजाकिया बना दिया जिस कारण निर्माताओं ने इसे फिल्म में शामिल कर लिया था एवेंजर्स एंडगेम बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड में एक अरब डॉलर की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी दुनिया भर में एवेंजर्स के प्रशंसकों की भारी संख्या के चलते एवेंजर्स फ्रेंचाइजी के अंतर्गत तीन फिल्मों ने अलग अलग एक अरब डॉलर से भी अधिक कमाई की थी जो कि किसी मील के पत्थर से कम नहीं थी लेकिन जब फिल्म के चौथे सुकल एवेंजर्स एंडगेम को लॉन्च किया गया तब इस फिल्म ने महज पाँच दिनों के भीतर एंडगेम ने वन अरब डॉलर की कमाई कर ली थी आज एंडगेम दुनिया भर की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है जो कि जेम्स कैमरन के अवतार फिल्म के बाद आती है इसके साथ ही गेम मार्बल की सबसे लंबी फिल्म है जिसकी रनिंग टाइम एक मिनट है एवांजलिन लिली और पाल रड ने एक साथ की मार्बल के दो फिल्मों की शूटिंग मार्बल का रिलीज शेड्यूल विस्तृत है जिसमें कई बार एक ही समय के कई प्रोजेक्ट्स को फिल्माना पड़ता है इसलिए कई मुख्य पात्रों को स्टोरी लाइन जोड़ते हुए सभी फिल्मों के बीच निरंतरता बनाए रखना पड़ता है चूँकि फिल्म एंट मैन एंड द वास्प और एवेंजर्स इंड गेम रिलीज होने के लिए एक ही लाइन अप में थे इसलिए दोनों फिल्मों की शूटिंग एक ही समय में होना स्वाभाविक था इस बीच फिल्म के दो सुपर हीरो कैरेक्टर एंटमैन और द वास्ट की भूमिका निभाने वाले कलाकारों एवांजलिन लिली और पालरट को अक्सर दोनों फिल्मों की शूटिंग के लिए उपस्थित रहना पड़ता था जो कि उनके लिए वाकई में सबसे बेस्ट दौर था मार्बल सीरीज की मोस्ट अवॉन्टेड फिल्म थार रैगना रॉक रिलीज हो गई थी ताइका वेटिस द्वारा निर्देशित फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज की नई एंट्री हुई है कहानी फिल्म की कहानी की शुरुआत ओडिन के बेटे थॉर यानी क्रिस हेमॉर्स से होती है जो अपने पुराने दुश्मन सर्तुर को ख़त्म करके अपने घर लौटता है लेकिन वह उसके पिता ओडिन नहीं होते हैं लोकी अपने पिता का रूप धारण करके अक्षाड़ पर शासन कर रहा है और अपने पिता ओडिन को धरती पर छोड़ दिया गया है लोगों के सामने लोकी का राज खोलने के बाद थार लोकी के साथ पिता की तलाश में निकलता है पिता को ढूंढने में थार की मदद डॉक्टर स्ट्रेंज करते हैं जो जानता है कि ओडिन कहाँ है अपने अंतिम पलों में दोनों बेटों को देखकर ओडिन अपने जीवन के एक बड़े राज से पर्दा उठाते हैं यह बताते हैं कि उनकी पहली संतान गार्ड ऑफ हेला है जो बेहद क्रूर व ताकतवर है और जिसे उन्होंने बरसों पहले बंधक बनाकर जेल में रखा है लेकिन अब वह आजाद हो गई है yeah. हेला रगना रोग को हासिल करना चाहती है ताकि वह पूरी दुनिया और अक्साड़ को ख़त्म कर सके हेला के सामने थार काफ़ी कमजोर है हेला की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस पर थार का ताकतवर हथौड़ा भी काम नहीं करता हेला उसे किसी बच्चे के खिलौने की तरह चूर चूर कर देती है लेकिन क्या थार हेला से अक्साट को बचा पाएगा और क्या ताकतवर हल्क इस लड़ाई में थार का साथ देगा क्या बिना हथौड़े के थार शक्तिशाली हेला से जीत पाएगा इन सब सवालों के जवाब आपको इसी फिल्म में आगे मिलते हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है कि मार्बल सीरीज की फिल्मों की की फिल्मों तरह इस फिल्म की कहानी भी बे बेहद रोचक और मजेदार है ताइका वेटिटी द्वारा निर्देशित फिल्म की सिनेमाटोग्राफी जबरदस्त है लेकिन फिल्म में अपने पिछली फिल्मों की तुलना में एक्शन सीन की कमी नजर आई जो इससे थोड़ी कमजोर बनाती है क्रिस हेमसूअर्थ थार और मार्क रफेलो यानी कि हल्क थार के तीसरे भाग में जबरदस्त एक, एक्टिंग की है बीच बीच में दोनों के बीच नोकझोंक लोगों को रोमांचित करने के साथ साथ हंसाती भी है वही फिल्म में गार्डसन ऑफ डेडकेटकेट ब्लैंकेट यानी हेला ने थार को अपनी दमदार एक्टिंग से कड़ी टक्कर दी है इस फिल्म को आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं दमदार एक्शन से भरपूर इस फिल्म के कुछ डायलॉग्स को ठहाके लगाने पर मजबूर कर देंगे फिल्म का थ्री इफेक्ट और इस इसे और भी बेहतरीन बनाता है आइए जानते हैं इससे पहले मॉर्बल की मूवीज के बारे में थार जो कि दो में आई थी थार एमसी में चौथी फिल्म है और इसमें क्रिस हेमर्थ को लीड रोल में नताली पोर्टमैन ने जॉन फोस्टर और टॉम हिडल को लोकी के रूम में दिखाया गया है यह एम के पार्ट वन का हिस्सा है और न केवल थार बल्कि दूसरी मार्बल फिल्मों की कहानी को भी सेट करता है फिल्म में थार को अक्सार्ड से पृथ्वी पर भेज दिया गया है उसकी शक्तियों और उसके हथौड़ा हाँ मजोलनर को छीन लिया जाता है पृथ्वी पर वह जेन फोस्टर से मिलता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है इस बीच उसके भाई लोकी ने अक, अक्सार्डियन सिंहासन लेने की साजिश रची थार एंड थंडर देखने का प्लान बना रहे लोगों को यह पहली थार फिल्म जरूर देखनी चाहिए आप डिजनी प्लस हाट स्टार पर फिल्म को देख सकते हैं थार द डार्क वर्ल्ड दो में रिलीज हुई सीरीज का अगला पार्ट है और एम में आठवीं फिल्म है क्रिस हेमोर्थ नताली पोर्टमैन और टॉम एडलसन ने पिछली फिल्म में अपने रोल को दोहराया था यह एम के फेज टू का हिस्सा है और द एवेंजर्स के बाद रिलीज हुई थी इस फिल्म में जेन की एम में अंतिम प्रोसेस है अब तो अब वह थार लव एंड थंडर में नजर आई थी अब डिजनी प्लस हॉट स्टार पर फिल्म को स्ट्रीम कर सकते हैं गॉडियंस ऑफ़ द गैलेक्सी 2014 हज़ार चौदह भले ही थार गॉडियंस ऑफ द गैलेक्सी फिल्म में नहीं है लेकिन इस फिल्म के कई कैरेक्टर थार लव एंड थेंडर में अभिनय करेंगे फिल्म में क्रिस प्रैंड सल्डाना डेव बस्तिता बिन डीजल और ब्रेडली कपूर ने अभिनय किया है यह फिल्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर उपलब्ध है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम टू दो हजार सत्रह पॉम क्लेविटम की निभाई गई मंटिस इस फिल्म में पेरेंट्स के साथ जुड़ती है वह थार लव एंड थंडर में भी नज़र आएंगी इस फिल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप देख सकते हैं थार रगना रोक दो थार रगना रोक का निर्देशन ताइका वेट्टी ने किया है जो थार लव एंड थंडर के निर्देशक भी हैं फिल्म ने वल्किरी टेसा थाम्सन कार्क वेटिटी और ग्रैंड मास्टर जेफ गोल्डब्लम को दिखाया गया है और ये कैरेक्टर थार की नई फिल्म में भी दिखाई देंगे एवेंजर्स इन्फिनिटी वार 2018 एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में थार ने पहली बार पेरेंट्स के साथ टीम बनाई फिल्म में एवेंजर्स एंड द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने थेनेस को दिखाया गया थेनेस ने ब्रह्मांड में सभी के जीवन के आधे हिस्से को मारने और उनकी खोज के लिए दिखाया गया जिसे छह सर्वशक्तिशाली इन्फिनिटी स्टांस को इकट्ठा करने से रोकने की कोशिश करते हुए भी दिखाया गया है एवेंजर्स दो के बाद एवं ने उम्मीद खो दी है फिर वह दुनिया को बचाने के लिए फिर से एवेंजर्स के साथ मिलकर काम करता है अंत में थार गॉर्ज थीम में शामिल हो जाता है और वल्कि को न्यू अक्सार्ड का राजा बना देता है मॉर्बल की उस साल की आखिरी फिल्म थार रगना राग तीन नवंबर को बड़ी स्क्रीन पर दस्तक दी थी हल्क की एक बार फिर से वापसी हो चुकी है थार सीरीज सी की यह फिल्म कई मायनों में खास है इस बार आपको थार की बहन भी देखने को मिलेगी थार की बहन हेला इस फिल्म में गार्डेस ऑफ दिट के किरदार में है इसी के खिलाफ थार और लेकी साथ दिखाई देंगे फिल्म की कहानी शुरू होती है शटर पर बेड़ियों में जकड़े थार से शटर यूनिवर्स का दूसरा हिस्सा है जहां से थार शटर का मुकुट ले आता है जिसका असली इस्तेमाल फिल्म के आखिर में पता चलता है फिल्म की पूरी कहानी हेला को हरा कर शांति कायम करने के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म में थार का एकमात्र मकसद एच गार्ड को रेगना रॉक से बचाना है इस बार मार्बल ने थार के भाई की बजाय उनसे लड़ने के लिए उसकी बहन को चुना है लोकी थार के साथ ही लड़ते नजर आते हैं जैसा कि बताया गया है थार के साथ ही यूनियर्स के इस हिस्से में कई लोग कैद हैं और इन कैदियों का एक भीषण युद्ध करवाना करवाया जाना है इस तरह से मार्बल अपने एक लोकप्रिय किरदार हल्क को थार से इस भीषण लड़ाई में डालकर फिल्म का लुप्त बढ़ा देता है ये फाइटिंग सिक्वेंस पैसा वसूल है हल्क पहले भी थार के साथ दिख चुके हैं और उनके साथ ही अवेंजर भी थार की यह लड़ाई उन्हें वक्त के साथ लड़ने पर मजबूर करती है क्योंकि थार को अपनी शक्तिशाली बहन हेला से अपनी दुनिया को भी बचाना है हेला फिल्म में गॉडेस ऑफ दट के किरदार में है ऐसे में थार की दुनिया यानी अक्सार्डियन सिविलाइजेशन में उनका आतंक छाया हुआ है वो हर चीज़ तबाह करने वाली तुली हुई हैं ऐसे में थार उनसे लड़ने तो आते हैं पर जरा ध्यान दें कि महाबली थार कहा थोड़ा आपको फिल्म में नहीं दिखेगा ऐसे में थार के फैन थोड़ा निराश हो सकते हैं पर फिर भी उसकी भरपाई करने को आपको हल्क के साथ के धांसू सीन भी दिखेंगे रेगना रॉक नार्स नाम की माइथोलॉजी एक टर्म है जो हिंदू धर्म के प्रलय और मुस्लिमों के क्यामत के दिन और ईसाइयों के डूम्स डे की तरह ही हैं पर इसमें खास ये है कि इसमें बस इंसानों का खात्मा नहीं होता देवताओं का भी खात्मा होता है बल्कि कहे तो देवताओं का ही खात्मा होता है जिसमें इंसानों का खुद ब खुद ख़ात्मा हो जाता है इस माइथोलॉजी के किस्से यूरोप के उत्तरी जर्मनी से लेकर सारे नार्वे के तमाम भागों में प्रचलित हैं इस अवधारणा को ही फिल्म का आधार बनाया गया है फिल्म में थार गॉडेस ऑफ देठ से भले ही ब्रह्मांड को छुटकारा दिला पाने में सफल हो जाता है हो पर अपनी बहन हेला के प्रकोप से अपनी दुनिया अक्सार्डियन सिविलाइजेशन को नहीं बचा पाता है और उसकी अपनी दुनिया का अंत हो जाता है पर खुशी की बात यह है कि ये अंत हमेशा के लिए नहीं होता कई बार कुछ ही समय के लिए होता है दरअसल इसे नई शुरुआत का सूत्रपात मान सकते हैं तो आगे की फिल्मों में आपको प्लेनेट वैसा ही फिर से बसा दिख सकता है मार्बल की फिल्मों में ग्राफिक्स और बीफेक्स वगैरह जमकर यूज किया गया है इस मामले में आपको इस फिल्म में भी निराशा हाथ नहीं लगेगी आप इंजॉय करने के लिए फिल्म देखना चाहें तो थ्री में भी यह फिल्म देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता है फिल्म थार के नए दर्शकों के लिए थोड़ी सी उलझी हो सकती है कहा जा रहा था कि डायरेक्टर ताइका वेडिटी ने इसमें ह्यूमर डालने की पूरी कोशिश की है जो कहीं कहीं सफल भी दिखती है पर ऐसा नहीं कि फिल्म आपको हंसाती ही रहे राइटिंग के 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 लिए लिए फिल्म में में उनका नाम नहीं है। है। एक्शन और थिलर फिल्मों की के के फिल्में देखना हमेशा एक ट्रीट जैसा रहा इसी क्रम आपको दांतों तले उंगलियां दबा लेने वाला एक्टर क्रिस् मार्क रफेलो टैम हिंडल केट ब्ले, ब्लेंड टीसा थम्पसन जैफ गोल्डब्लम ब्लम कार्ल आर्बन और एंथनी हॉपसन जैसे बॉलीवुड सितारों से सजी या हॉलीवुड सितारों से सज्जिया फिल्म यूथ तो थॉर के बारे में है लेकिन सुपर हीरो हल के फैंस को भी निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रेलर से लेकर पोस्टर और फिल्म की लीड लाइन तक हल्क का हल्क तक तकरीबन तक 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 हर जगह दिखाने की कोशिश की गई है एडवेंचर से भरपूर यह मार्बल मूवी आपको अब तक रिलीज हुई सभी मार्बल मूवीज से थोड़ा बेहतर लगेगी ऐसा लगता है कि हर मार्बल मूवी में निर्देशक पिछली रिलीज हुई फिल्मों से सीखते जा रहे हैं की बात करें तो ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर थार खुद को एक जानलेवा हालत में पाता है और यह चीज़ें उसे हल्क से मिलवा देती हैं एवेंजर्स में थार के साथ मिलकर जंग जीत चुका हल्क भी थार के मिशन में उसके साथ हो लेता है और फिर दोनों निकल पड़ते हैं एक ऐसी खोज पर जिसमें वह वक्त का सफर तय करके हेला द्वारा थार के घर को नष्ट कर देने से रोकना चाहते हैं फिल्म की कहानी और एक्शन आपको कहीं भी बोर नहीं होने देगा और दो घंटे दस मिनट की यह फिल्म आपको फुल इंटरटेनमेंट पैकेज देगी। फिल्म को मिला अब तक ऑडियंस रिव्यू रिव्यू और है एम सी यू यानी मार्बल सिनेमेटिक यूनिवर्स के अंतर्गत आने वाली सुपर हीरोज की फिल्म सीरीज दुनिया की सबसे सफलतम फिल्म सीरीज है जिसकी हर फिल्म में शामिल सुपर हीरोज मेल हो या फीमेल सभी का कैरेक्टर एक से बढ़कर एक है इसकी शुरुआत हुई थी साल 2008 में आई फिल्म आयरन मैन से निर्माताओं ने इस सीरीज के तेईस फिल्मों से में सभी सुपरहीरोज़ को एक बेहतरीन कहानी देकर एक कड़ी में जोड़ा है इस सीरीज की हर एक फिल्म में कुछ रोचक बातें हैं और हम इस आज की वीडियो में इससे जुड़े कुछ अनजाने तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे अगर आप मार्बल के प्रशंसक हैं तो आपको पता होगा कि इसके फिल्मों की श्रृंखला कितनी अद्भुत है इसके हर फिल्म में हर एक सुपर हीरो की अपनी कहानी है जिन्हें तेरह वर्षों में बनाई गया है और एक एक कर दर्शकों के बीच लाया गया है अंत में सभी फिल्मों को एक कड़ी में जोड़कर एक फिल्म एवेंजर्स एंडगेम से निष्कर्ष निकाला गया है फिल्मों की इस श्रृंखला में जितने भी सुपरहीरो शामिल हैं उन्हें ही एवेंजर्स नाम दिया गया है उन्हीं एवेंजर्स से जुड़ी फिल्म के दृश्य या रिलीजिंग या शूटिंग के दौरान कुछ रोचक और अजनबी बातें हैं जिन्हें हम आज आपके साथ साझा करेंगे मार्बल कॉमिक के महान लेखक स्टैनली ने भूतकाल में अपने कई संघर्षों के बाद आयरन मैन को लॉन्च करने में सफलता पाई थी आयरन मैन जो की बाद में इस फिल्म रिलीज का सबसे स्मार्ट और दर्शकों का सबसे चहता सुपर हीरो बनकर उभरा इससे पहले पिछले कई दशकों में आयरन मैन और अन्य सुपर हीरोज़ पर कई फिल्में व सीरीज़ बन चुकी थी लेकिन स्पाइडरमैन की फिल्म सीरीज के अलावा सभी फिल्मों को दर्शकों द्वारा नकारा जा चुका था पहली सफलतम फिल्म जिसने बिलियन में कदम रखा द एवेंजर्स मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म थी जिसने दुनिया भर के सिनेमाघरों में एक बिलियन डॉलर से भी अधिक कमाई की थी यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने सुपर हीरो फिल्मों को एक नया आयाम दिया था फिल्म की कहानी एक्शन सीन बी एफ और कई सुपर हीरोज़ को एक साथ जुड़ना दर्शकों के लिए काफ़ी नया और रोमांचकारी साबित हुआ और इसे खूब पसंद किया गया था मार्बल ने द एवेंजर्स में किया था रियल सुपर हीरो का उपयोग जी हाँ द एवेंजर्स फिल्म में असली सुपर हीरो का इस्तेमाल किया गया था लेकिन वे कोई बिजली आग या काल्पनिक शक्ति पैदा करने वाले नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया के बहादुर पुलिसकर्मी थे फिल्म के एक दृश्य में जब न्यूयॉर्क शहर में एवेंजर्स का सामना उनके दुश्मनों से होता है तब निर्देशकों ने उनकी मदद करने के लिए ओहियो राज्य से तीन सौ इक्यानबे सैन्य पुलिस वर्ल्ड बटालियन के वास्तविक सदस्यों को शामिल किया था हा कैरेक्टर की गंभीरता मार्बल के अंतर्गत हाकाई एजेंट क्लिंट वार्टन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता जेरेमी रेनर ने इस कैरेक्टर को बहुत गंभीरता से लिया उन्होंने स्पष्ट रूप से तीरंदाजी सीखी थी इसलिए उनके अभिनय में खलनायकों पर चलने वाला तीर किसी पेशेवर से कम नहीं लगा हल्क के चरित्र के लिए पहली पसंद था कोई और वो चित्र दो हज़ार में आई फिल्म द इनक्रेडिबल हल्क में ब्रूस बैनर द हल्क की भूमिका एडवर्ड नाटन ने निभाई थी जिन उनकी इसी प्रसिद्धि के कारण वह मार्बल के पहली पसंद थे वही बात करें द इनक्रेडिबल हल्क के निर्देशक लुई लेट्रियल के अनुसार तो हल्क के किरदार में अभिनेता मार्क रफेलो ही बहुत पहले से फिट आते थे और बाद में चलकर ऐसा ही हुआ ब्रूस बैनर हल्क की भूमिका में द एवेंजर्स और आगे की फिल्म के लिए मार्क ने नार्टन को रिप्लेस किया देखा जाए तो हल्क की भूमिका में मार्क ने एक अलग ही छाप छोड़ी है हल्क की भूमिका के लिए मार्क को मिली हॉलीवुड के सुपरस्टार आर डी जैसे प्रोत्साहना साल 2012 में जब द एवेंजर्स में ब्रूस बैनर द हल्क की भूमिका निभाने के लिए मार्क रफेलो को चुना गया तब वह एक सुपर हीरो के रूप में किसी बड़ी बजट की फिल्म में अभिनय करने के लिए असहज महसूस कर रहे थे उस समय हॉलीवुड के सुपरस्टार आर डी जे यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने उन्हें अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित किया चूंकि वह मार्क के सबसे अच्छे दोस्त थे और खुद ही सुपर हीरो आयरन मैन की भूमिका निभा रहे थे आयरन ने अपने दोस्त के लिए लिखा था कि रोफेलो लेट्स गो लेट्स डू दिस स्पाइडरमैन मैन के नाम में हाइफन का उपयोग राइटर स्टैनली ने स्पाइडरमैन मैन के नाम में हाइफोन लगाया ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि और क्योंकि सुपरमैन और स्पाइडरमैन दोनों ही एक जैसे नाम बन जाते हैं जो पहली बार तेज़ नज़र में पढ़ने पर दर्शकों के लिए संशय पैदा कर सकते हैं जर्मनी के कुछ छोटे थिएटर्स में हुआ था एवंजर्स राज आप और का विरोध साल 2014 में जब फिल्म एवंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन दुनिया भर में रिलीज हुई तब जर्मनी के कुछ शहरों में थिएटर्स में इसका विरोध हुआ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि डिजनी बॉक्स ऑफिस पर टिकटों की बिक्री का तिरपन प्रतिशत मुनाफा चाहता था जो कि पारंपरिक और फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन प्रतिशत की तुलना में अधिक था हालांकि यह संख्या में बहुत बड़ा अंतर नहीं लग स लग सकता लेकिन जर्मनी के कुछ छोटे थिएटर्स के लिए कमाई में एक बड़ा अंतर जरूर था इसलिए उस समय उन्होंने इस फिल्म को स्क्रीन नहीं दिया बोर होने से बचने के लिए सितारों ने खेला बोगल फिल्म की शूटिंग के समय लगता है जैसे कि किसी दृश्य को दिखाने के लिए सेट व लाइटिंग में समय आयोजन करना और उसके बाद दूसरे दृश्य के लिए दूसरा सेट व लाइटिंग ऐसे में एवेंजर्स के सितारों को देर तक नए शॉट के लिए इंतजार करना पड़ता था इस दौरान कैप्टन का, का, अमेरिका स्टीव राज की भूमिका निभाने वाले अभिनेता क्रिस इवांस ने बताया कि उन्होंने खुद को उबने से रोकने के लिए और भी अन्य कलाकारों जो कि उनके दोस्त भी थे के साथ बोगल गेम खूब खेला है द एवेंजर्स फिल्म को अंतरिक्ष में दिखाया गया अंतरिक्ष जहां कई सितारे चमकते हैं वही कुछ चुनिंदा दर्शकों ने द एवेंजर्स की स्क्रीनिंग के दौरान धरती के सितारों को देखा और वे दर्शक थे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ह्यूस्टन में नासा के मिशन कंट्रोल में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को द अवेंजर्स फिल्म की एक डिजिटल प्रति भेजी उस समय आई एस में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को इस फिल्म को देखने का दुर्लभ अवसर मिला था बताते चले कि द एवेंजर्स फिल्म के कुछ को नासा में भी फिल्माया गया था और शायद यही कारण था कि इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भी दिखाया गया है। स्कॉटलेस बीच और क्विक सिल्वर की उत्पत्ति को बदला गया था। कॉमिक किताबों में स्कॉटलेस चा और क्लिक सिल्वर ने एक्स मैन के कैरेक्टर मैग्नो को उनकी खलनायकी में सहायता की थी लेकिन फिल्म स्टूडियो के कुछ अधिकारों के कारण एक्समैन अन्य मार्बल संस्थाओं से अलग हो गए इस कारण से एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के निर्माता टीम ने वाडा मैक्सम वाडला मैक्सिमम और स्कॉटलेज और पियथ्रो मैक्समॉफ क्विक सिल्वर को एक अलग मूल कहानी दी थी इस फिल्म इस में वाडा स्काटल एस की भूमिका में एलिजाबेथ ओलिसन और पियथ्रो क्विक सिल्वर की भूमिका में आरोन टेलर जॉनसन नजर आए हैं कैप्टन अमेरिका सिविल वार के दौरान क्रिस हुए थे चोटिल फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वार के सह निर्देशक जो रूसो ने बताया था कि फिल्म का सबसे शक्तिशाली शॉट था स्टीव राजर्स का अपने हाथों से एक हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से रोकना इस शॉट को फिल्म के पहले टीजर ट्रेलर में भी दिखाया गया था इस सीन को शूट करने से पहले क्रिस इवांस ने शारीरिक सारे शारीरिक सारे रूप से चरित्र को वास्तविक रूप देने के लिए जिम में बहुत मेहनत की थी बाद में फिल्म का यह दृश्य काफ़ी शानदार साबित हुआ था लेकिन क्रिस ने शूटिंग के समय इसे फिल्माते हुए अपनी बाँह में मांसपेशियों को घायल कर लिया था ब्लैक पेंथर का नाम बाद में चुना गया मार्बल ने ब्लैक पेंथर का नाम सबसे पहले ब्लैक Black... लेफट रखना चाहता था लेकिन इसका संदर्भ एक राजनीतिक पार्टी से होने के कारण यह नाम बदल दिया गया एमसीयू के अंतर्गत ब्लैक पंथर की भूमिका निभाने वाले अभिनेता बोजमैन की साल दो में कैंसर के कारण मृत्यु हो चुकी है इसलिए निर्माताओं ने ब्लैक पंथर को एक नया रूप दिया जिसे फिल्म ब्लैक पेंथर के सुकल ब्लैक पेंथर वकंडा फॉरवर में देखा जा सकेगा जो कि 11 नवंबर दो को रिलीज हो रही है एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में एक पुराने बिलन की वापसी कैप्टन अमेरिका द फास्टर एवेंजर्स में मुख्य बिलन रेड स्कॉल को आखिरी बार इसी फिल्म में देखा गया था और इसकी उपस्थिति तब तक एक रहस्य बन बनी रही जब तक कि इसे सिनेमाघरों में फिल्म एवेंजर्स इन्फेंटिवार में नहीं दिखाया गया था एवेंजर्स इन्फेंटिवार यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हॉलीवुड मूवी ट्रेलर यूट्यूब पर लॉन्च होने वाली फिल्म के ट्रेलर में एवेंजर्स इन्फेंटिवार का ट्रेलर सबसे लोकप्रिय ट्रेलर बना हुआ है यूट्यूब पर अब तक इससे दो मिलियन से भी अधिक देखा जा चुका है स्क्रिप्ट में ना होते हुए भी स्क्रिप्ट में ना होते हुए भी एक डायलॉग बन गया मजाक किया फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में एक दृश्य के दौरान टाइटन ग्रह पर कुछ सुपर हीरोज आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं जिसमें आयरन मैन स्टार लॉर्ड और ड्रैक्स भी शामिल हैं उसी दौरान तीनों में एक संवाद होता है जिसमें स्टार लॉर्ड पूछता है कि गमोरा कहाँ है इस पर आयरन मैन कहता है कौन है गमोरा मजे की बात तब होती है जब ड्रैक्स कहता है कि क्यों है गमोरा एक खुलासे में पता चलता है कि ड्रैक्स का डायलॉग तो फिल्म के स्क्रिप्ट में था ही नहीं लेकिन ड्रैक्स ने इस अंदाज ने दृश्यों को और भी मज़ाकिया बना दिया जिस कारण निर्माताओं ने इसे फिल्म में शामिल कर लिया था एवेंजर्स एंडगेम बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड में एक अरब डॉलर की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी दुनिया भर में एवेंजर्स के प्रशंसकों की भारी संख्या के चलते एवेंजर्स फ्रेंचाइजी के अंतर्गत तीन फिल्मों ने अलग अलग एक अरब डॉलर से भी अधिक कमाई की थी जो कि किसी मील के पत्थर से कम नहीं थी लेकिन जब फिल्म के चौथे सुकल एवेंजर्स एंडगेम को लॉन्च किया गया तब इस फिल्म ने महज पाँच दिनों के भीतर एंडगेम ने वन अरब डॉलर की कमाई कर ली थी आज एंडगेम दुनिया भर की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है जो कि जेम्स कैमरन के अवतार फिल्म के बाद आती है इसके साथ ही गेम मार्बल की सबसे लंबी फिल्म है जिसकी रनिंग टाइम एक मिनट है एवांजलिन लिली और पाल रड ने एक साथ की मार्बल के दो फिल्मों की शूटिंग मार्बल का रिलीज शेड्यूल विस्तृत है जिसमें कई बार एक ही समय के कई प्रोजेक्ट्स को फिल्माना पड़ता है इसलिए कई मुख्य पात्रों को स्टोरी लाइन जोड़ते हुए सभी फिल्मों के बीच निरंतरता बनाए रखना पड़ता है चूंकि फिल्म एंट मैन एंड द वास्प और एवेंजर्स इंड गेम रिलीज होने के लिए एक ही लाइन अप में थे इसलिए दोनों फिल्मों की शूटिंग एक ही समय में होना स्वाभाविक था इस बीच फिल्म के दो सुपर हीरो कैरेक्टर एंटमैन और द वास्ट की भूमिका निभाने वाले कलाकारों एवांजलिन लिली और पालरट को अक्सर दोनों फिल्मों की शूटिंग के लिए उपस्थित रहना पड़ता था जो कि उनके लिए वाकई में सबसे बेस्ट दौर था मार्बल सीरीज की मोस्ट अवॉन्टेड फिल्म थार रैगना रॉक रिलीज हो गई थी ताइका वेटिस द्वारा निर्देशित फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज की नई एंट्री हुई है कहानी फिल्म की कहानी की शुरुआत ओडिन के बेटे थॉर यानी क्रिस हेमॉर्स से होती है जो अपने पुराने दुश्मन सर्तुर को ख़त्म करके अपने घर लौटता है लेकिन वह उसके पिता ओडिन नहीं होते हैं लोकी अपने पिता का रूप धारण करके अक्षाड़ पर शासन कर रहा है और अपने पिता ओडिन को धरती पर छोड़ दिया गया है लोगों के सामने लोकी का राज खोलने के बाद थार लोकी के साथ पिला, पिता की तलाश में निकलता है पिता को ढूंढने में थार की मदद डॉक्टर स्ट्रेंज करते हैं जो जानता है कि ओडिन कहाँ है अपने अंतिम पलों में दोनों बेटों को देखकर ओडिन अपने जीवन के एक बड़े राज से पर्दा उठाते हैं यह बताते हैं कि उनकी पहली संतान गार्ड ऑफ हेला है जो बेहद क्रूर व ताकतवर है और जिसे उन्होंने बरसों पहले बंधक बनाकर जेल में रखा है लेकिन अब वह आजाद हो गई है। हेला रेग्न रोग को हासिल करना चाहती है ताकि वह पूरी दुनिया और अक्साड़ को खत्म कर सके हेला के सामने थार काफी कमजोर है हेला की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस पर थार का ताकतवर हथौड़ा भी काम नहीं करता हेला उसे किसी बच्चे के खिलौने की तरह चोर चोर कर देती है लेकिन क्या थार हेला से अक्साठ को बचा पाएगा और क्या ताकतवर हल्क इस लड़ाई में थार का साथ देगा क्या बिना हथौड़े के थार शक्तिशाली हेला से जीत पाएगा इन सब सवालों के जवाब आपको इसी फिल्म में आगे मिलते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्बल सीरीज़ की अन्य फिल्मों की तरह इस फिल्म की कहानी भी बेहद रोचक और मज़ेदार है टाइका वेटिटी द्वारा निर्देशित फिल्म की सिनेमाटोग्राफी जबरदस्त है लेकिन फिल्म में अपने पिछली फिल्मों की तुलना में एक्शन सीन की कमी नज़र आई जो इससे थोड़ी कमजोर बनाती है